क्या मेरी आवाज आ रही है? कैन यू माई साउंड? कैन यू सी मी? चैट में लिखिए यस या थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम योगेश हूं, माइंड ट्रेनर, और सभी यहां पे आए हैं। मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूं इस वर्कशॉप को शुरू करने से पहले, वो प्रॉमिस बड़ा है। ये सेशन जो है 90 मिनट्स का आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देने वाला है। मैं चाहूंगा कि इस सेशन के अंत तक जुड़े रहिए। मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे हैं, काफी सारे पेरेंट्स हैं। एक चीज जरूर कहूंगा, जो भी चीज आप कोई पढ़ते हो ना किताब, उसका जो पढ़ने के बाद जो आपको याद रहता है वो है 10%। हमारा माइंड 10% उनको इसको याद रखता है। लेकिन कोई चीज अगर आप देखते हो इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ, तो हमारा माइंड उसे 30% याद रखता है। लेकिन कोई चीज अगर देखते हम इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, जैसे आप मुझे देख रहे हो, तो आपका माइंड जो है याद रखता है 50%। मगर कोई चीज अगर आप अनुभव लेते हो ना, एक्सपीरियंस, तो आपका माइंड उसको रखता है याद 100%। तो जरूर कहूंगा ये जो सेशन है ना, वो पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल हम चीजें सीखने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने वीडियोस को ऑन रखिए, क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूं कि किस लेवल का आप यहाँ पे एक्टिविटी करने वाले हो, किस लेवल का आप अपने 100% को देने वाले हो। मैं जरूर कहूंगा इस प्रोग्राम को इन्वॉल्व हो जाना है। यहाँ पे काफी सारा मेडिटेशन रहेंगे, एक्टिविटी रहेगा, कुछ सारे गेम्स भी रहेंगे बच्चों के लिए। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये एक अनुभव के लेवल पे है, एक माइंड के लेवल पे है। तो जरूर कहूंगा वीडियोस को ऑन रखिए और 100% दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आपका पार्टिसिपेशन 100% चाहिए, क्योंकि मैं रेडी हूं थर्ड एक्टिवेशन को सिखाने के लिए, और आप भी रेडी हो जाइए। जिस लेवल की एनर्जी मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो आए, क्योंकि जितना ज्यादा आप एनर्जी लाओगे, उतना ही ज्यादा आपका माइंड उस चीजों को सीखना लेगा, सीखना चाहेगा। और जरूर कहूंगा ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले इतने सारे मम्मी पापा जो आज आए हैं उन सभी चीजों सीखने के लिए, आपका एक रोल है। जैसे आप जॉब करते हैं, आपका एक रोल है कि आप एक बिजनेस करते होंगे, लेकिन एक बड़ा सा रोल आपका है कि आप एक पेरेंट्स हो और बच्चों की डेवलपमेंट चाहते हैं। कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चों की डेवलपमेंट चाहते हैं? से आए कितने लोग हैं? या सभी चाहते हैं, मगर ये ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे वो हेल्थ के रिलेटेड है, पढ़ाई के लिए है, या फिर बच्चे के अंदर सभी जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करना चाहते हैं। मैं बताऊं एक चीज, हम बच्चों की डेवलपमेंट चाहते हैं, उनको डेवलप करना हम सभी लोग चाहते हैं, मगर जितने भी सफल लोग हुए हैं ना, उन्होंने अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दिया है, तभी जाके वो सफलता उन्होंने पाया है। तो ये जो सफल लोग हैं, उनके जीवन के अंदर उनके पेरेंट्स ने जो भी क्वालिटी टाइम दिया है, तभी जाके वो सफल हुए हैं। लेकिन एक सत्य मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद ये सुनने के लिए अच्छा ना हो, आपको अच्छा ना लगे, लेकिन सत्य है। जितने भी सफल लोग हुए हैं ना, उनके पीछे जो पेरेंट्स का बड़ा हाथ था, बड़ा रोल था, उनका एक क्वालिटी समय था, मगर जो सफल लोग हैं, उन्होंने जो महान कार्य किए हैं, उस महान कार्य करते समय उन्होंने अपने टाइम जो है अपने कार्य के ऊपर दिया, और वो टाइम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, और इस वजह से उन सफल लोगों के आज बच्चे क्या कर रहे हैं शायद आप और मैं नहीं जानते। इसीलिए मैं कहता हूं आने वाले 90 मिनट्स आपका क्वालिटी टाइम होने वाला है, आपका क्वालिटी कुछ नॉलेज होने वाला है, एजुकेशन होने वाला है, कुछ नया सीखने वाले है, जिससे आपके लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। जरूर कहूंगा इस सेशन शुरुआत होने से पहले हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बच्चों की प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताना है, जब बच्चों को हम डेवलपमेंट करते हैं, इनके ऊपर काफी सारा खर्च करते हैं, या फिर उनको महंगे महंगे किताबें ला के देते हैं, या फिर स्कूल्स के अंदर काफी सारा हेवी खर्च होता है, लेकिन जो नतीजा हमें चाहिए रिटर्न में, यानी जो भी हम चाहते हैं, क्या वो लौट के मिल रहा है? या फिर ऐसे आप क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो बच्चों के फेस कर रहे हो और उस प्रॉब्लम से आप बाहर आना चाहते हो, तो प्लीज मुझे चैट में बताना है आपके बच्चों के ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिससे आप बाहर आना चाहते हो। तो चैट में मुझे बताना है कि ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैं जरूर उसका सोल्यूशन बताऊंगा, और वो सोल्यूशन ऐसा होगा कि जड़ से उसके प्रॉब्लम को आज खत्म भी करने वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ काफी लोग हैं जो प्रॉब्लम को बता रहे हैं। ओके, निधि मैम बोल रहे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता। ओके, और भी है, जैसे सागर सर बोल रहे हैं मोबाइल एंड टीवी, ओके, ये बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का। ये हो सकता है होमवर्क हो सकता है, टीवी हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, याद नहीं रहता, उदय सर बोल रहे हैं, हर्ष बोल रहे हैं मोबाइल टू मच। ओके यस, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका सोल्यूशन, मैं बताऊंगा मोबाइल टीवी का। ऐश्वर्य मैं बोल रहे हैं टीवी ओवर एक्टिव, तो तापस, ओके सर या मैम आई डोंट नो,
वो बोल रहे हैं वेरी एक्टिव है, ऐश्वर्या गेम्स बहुत खेलते हैं ऐसा बोल रहे हैं। ओके शिवांगी मैम बोल रहे हैं गेम्स टीवी मोबाइल ओके एंगर गैलेक्सी J7 ओके पढ़ाई में ध्यान नहीं है ओके हमेशा तंग करता है। ठीक है आपको बच्चा तंग करता है ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या सोल्यूशन है। अगर स्टडी नहीं करता है ओके गोपाल सर बोल रहा है कि नॉट लो मैथ्स ओके मैथ्स पसंद नहीं बच्चों को शायद ओके प्लेइंग गेम्स ओके मैं बता दूं इन सभी प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो ना, मैं बताऊं पिछले 7 सालों से मैं ये चीज सिखा रहा हूँ और मैं इन सभी प्रॉब्लम का लिस्ट ही निकाला है। मैं पिछले 7 सालों से ये सवाल पूछता हूँ, मम्मी पापा मुझे आके कहते हैं सर मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, यानी वो उसका बिना इतना इरिटेट हो जाता है कुछ भी बोलो तो, या डिसिप्लिन नहीं है उसके अंदर कुछ भी कोई भी चीज कभी भी करेगा, कंपेयर करता है चीजों को उसके पास है मेरे पास नहीं है, एग्जाम आता है तो उसको बहुत डर लगता है, होमवर्क नहीं करता यस हमेशा परेशान करता है, दिया हुआ होमवर्क नहीं कंप्लीट करेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं है स्टडीज के अंदर, ध्यान ही नहीं उसका, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कभी भी उठेगा कभी भी सो जाएगा, लेजी हो चुका है, कुछ काम करने के लिए बोलो नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस की कमी है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस लेना या मेमोरी बहुत प्रॉब्लम है। हमने काफी सारे ट्यूशंस लगाए क्लास लगाए लेकिन मेमोरी बहुत ही जबरदस्त बहुत ही प्रॉब्लम है, डिमांड तो इतनी करता है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, जनरेशन गैप है, हम कुछ बोलते हैं अलग बोलता है, रिस्पेक्ट नहीं देता, डिप्रेस हो जाता है, हेल्थ इश्यूज है, टीवी मोबाइल अरे बाप रे ये तो होलसेल में प्रॉब्लम चालू है, अभी तो ये होलसेल में प्रॉब्लम चालू है। तो कितने लोग हैं इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहेंगे, से आए कितने लोग चाहेंगे, मैं देख रहा हूँ काफी सारे पेरेंट्स है मम्मी पापा है, जरूर कहूंगा मैं आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए ये सेशन, ऐसा नहीं रहेगा कि हम पूरा थ्योरेटिकल जानेंगे, हम अनुभव लेंगे प्रैक्टिकल करेंगे, ये सभी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है माय डिफेंस वो एक ही है, और आज के समय के लिए बच्चों के लिए एक जबरदस्त चीज हमें सिखानी पड़ेगी जिससे बच्चे का कोई भी समस्या प्रॉब्लम उसे आप बाहर आओगे। वो क्या है पता है, आपके बच्चों की आज थर्ड आई एक्टिवेशन करनी है। यस माय डिफेंस क्या होती है थर्ड आई, थर्ड आई जिसे अज्ञा चक्र पीनियल ग्लैंड हॉर्स आई डिवाइन आई दिव्य चक्षु या फिर बोधि नेत्र या फिर मिड ब्रेन कहते हैं, जरूर कहूंगा हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है पीनियल ग्लैंड या फिर सातों चक्रों में से सबसे पावरफुल चक्र है आज्ञा, और मैं जरूर कहूंगा इस आज्ञा चक्र की जो पावर है हमारे ब्रेन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, मेमोरी को इंक्रीज करता है, हमारे इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करता है और विजन यानी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। और बताओ ये आज्ञा चक्र हमारी बॉडी के अंदर सबसे जबरदस्त ब्रेन के सेंटर में लोकेटेड है, और ये पावर बच्चों में आ गई एक्टिवेशन करने के बाद आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेशन मेमोरी वो तो हो जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा शांत हो जाएगा, उसका माइंड स्टेबल हो जाएगा, और जो भी गलत आदत है टीवी गुस्सा करना ना सुनना वो सभी क्लीन हो जाएगा। एक चीज उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल आएगी वो क्या है, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आज कि हम आज सीखने क्या वाले हैं और क्या अनुभव लेने वाले हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो दिखा रहा हूँ, ध्यान से इस वीडियो को देखना है, आज हम ये चीजें सीखने वाले हैं और अनुभव लेने वाले हैं, सो प्लीज फोकस ऑन दिस वीडियो फॉर 2 मिनट्स। नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रोहित सरदाना, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके बच्चों को जीनियस बना सकता है। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसे सुपर जीनियस बच्चों से मिलाने वाले हैं जो आंखें बंद करके भी ऐसे बहुत से काम कर देते हैं जो हम और आप शायद आंखें खोल के भी कई बार उतने परफेक्टली न कर पाते। जी हाँ, ये बच्चे ये काम कैसे करते हैं, इनको ये ट्रेनिंग कैसे मिली और इनका कमाल क्या है, हम आपको इन बच्चों से मिलाएं, उसके पहले फटाफट इस रिपोर्ट में देख लीजिए। प्रेस राहुल सिन्हा 1911-1977 जी न्यूज। आज आपकी आंखों के सामने जो होगा उस पर यकीन करना मुश्किल होगा, ये बच्चे आज जो करेंगे उसे देखकर कंप्यूटर भी डर जाएगा। देखिए इन बच्चों को क्या कर रहे हैं, ये किताब किसके बारे में? ये किताब से हवा नहीं कर रहे बल्कि ये बच्चे ऐसे ही किताब हिलाकर 2 मिनट में पूरी किताब पढ़ लेते हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये बड़े ही आराम से कुछ भी पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस राहुल सिन्हा 1911-1977 जी न्यूज़ कॉरेस्पोंडेंट।
और अब जो आपके सामने होगा वो विज्ञान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये सब बच्चे आंखों पर कपड़ा बांधकर सामने बैठे आदमी के शरीर के अंदर जाकर उसमें छिपी बीमारियों को चुटकियों में बता देते हैं। हाथों में थोड़ी कैविटीज थी, घुटनों में, लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम थी उनकी। क्या ये कोई जादू है या नजरों का फेर या फिर कोई तरकीब? किसी आदमी की उनकी बड़ी लंबी लंबी मूछें व्हाइट कलर की। 1997 से जापान के हजारों बच्चे ऐसा ही सब कुछ बड़े आराम से कर रहे हैं। अब भारत में आपका बच्चा भी ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन कैसे ये देखिए। कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है कि हम आंखें बंद करके देखने वाले हैं और ये सभी नॉलेज पता है आज हम यहाँ पे सीखने भी वाले हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड है थर्ड आई को खोलने के लिए, आंखें बंद करने के लिए, देखने के लिए? से आए कितने लोग एक्साइटेड है? और जरूर कहूंगा जो भी मम्मी पापा बैठे ना उनको लगता है कि सर आप मुझे पहला सिखाइए, क्योंकि हम सीखना चाहेंगे, बच्चों को बाद में सिखाइए। क्योंकि ये जब हमने पहली बार देखा हमें लगा कि हमें भी आना चाहिए, मगर मैं आपको बता दूं ऐसे भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो विश्वास नहीं रख रहे हैं, उनको लग रहा है कि सच में सर आंखें बंद करके दिख सकता है, ये झूठ है, बकवास है। तो मैं जरूर कहूंगा मैं आपको ये बकवास नहीं, हमारे फ्रेंड्स इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है और आज हम उस साइंस को जानेंगे। लेकिन कितने लोगों ने ये सुना है झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे? कितने लोगों ने सुना है? काफी लोगों ने, यस। कितने लोगों ने ये सुना है सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे? यस, सुना था। लेकिन जब उसके बारे में साइंस था वो पता नहीं था, इसके पीछे का साइंस हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, जानेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको ये चीजें क्यों सिखाना चाहूंगा, आपके बच्चों को मेरा क्या इंटेंशन है सिखाने का, पहला ये जानते हैं। तो मैं अपने आप के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा हम एक दूसरे को जान ले। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश, एज अ माइंड ट्रेनर, एज अ थर्ड एक्सपर्ट मैं पिछले 7 सालों से ये चीजें सिखा रहा हूँ। मेरा जो बर्थ प्लेस है माय डियर फ्रेंड्स, वो औरंगाबाद महाराष्ट्र पैठण यहाँ पे हुआ है। मैं महाराष्ट्र में अभी औरंगाबाद में फिलहाल रहता हूँ। तो मैं स्कूलिंग के अंदर जैसे मेरा 10 से लेके 10 तक मैं इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, सेंट पॉल इंग्लिश हाई स्कूल में। और मैं बताऊँ पढ़ाई के अंदर बिल्कुल कमजोर था, स्टडीज में हमेशा बैक बैठना, हमेशा पढ़ाई के मामले में 0 या फिर मार खाना, टीचर्स के कंप्लेन, ये सभी से मैं गुजरा हूँ। और जरूर कहूंगा पढ़ाई के अंदर इतना कमजोर कि मेरे यहाँ पे 10 का मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, 10वीं कक्षा में मैंने काफी कम स्कोर किया था, 58.66% थे। और इंग्लिश में मैं इंग्लिश मीडियम में था लेकिन मुझे 100 अपने से 39 मार्क्स थे। और जरूर कहूंगा जब ये प्रॉब्लम में फेस कर रहा था पढ़ाई के मामले में, तो आपके बच्चे भी होंगे जो पढ़ाई में शायद बहुत तकलीफ देते। कितने बच्चे पढ़ाई में कमजोर है? आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है? से आए पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम देते हैं, काफी लोग हैं। जरूर कहूंगा आज 80% या 90% बच्चों की प्रॉब्लम है स्टडीज की, और उसका सोल्यूशन मैं आपको एक देना चाहूंगा। प्लीज ये ट्राई कीजिए, शायद आपको ये हेल्प करेगा बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा बनाने के लिए। क्या करना है, आपके बच्चे अगर पढ़ाई में कमजोर है एक चीज जरूर करिए, क्या है पता है? बच्चे जब के तब नहीं करते इसलिए प्रॉब्लम है, जो मेरा था। क्या करना है, बच्चों को कोई भी किताब देना है, बेटा ये किताब है, ये चैप्टर है, इसको पढ़, पढ़ने के बाद मुझे मीनिंग बता। अगर आपका बच्चा एक एक शब्द का मीनिंग बता रहा है, एक एक वाक्य का मीनिंग बता रहा है, यानी वो किताब इंग्लिश में है और वो एक एक शब्द का मीनिंग अगर बता रहा है, इसका मतलब उसकी कंसेप्ट क्लियर है, उसके वर्ड को अंडरस्टैंड कर रहा है, मगर वो कुछ भी नहीं बता पा रहा है और ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है, इसका मतलब उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उस शब्द को नहीं जान रहा है, वैसे ही वो रट्टा मार के याद रख रहा है और ये रट्टा मारना उसको पसंद भी नहीं है और पढ़ाई भी दूर की बात है, पढ़ाई भी पसंद नहीं है। जरूर कहूंगा मम्मी पापा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा एक भी शब्द नहीं चाहिए, ऐसा एक भी शब्द, ऐसा एक भी वाक्य जिसको बच्चे का मीनिंग पता ना, उस शब्द का, उस वाक्य का, हर एक शब्द का मीनिंग अगर पता चल जाएगा ना तो बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा, उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे और वो फर्स्ट आएगा। कितने को लगता है ये करेंगे तो होगा? कितने पेरेंट्स को लगता है ऐसा किया तो काम करेगा? क्योंकि पता है काफी मैं बच्चों को देखता हूँ जब काउंसलिंग करता हूँ तो उनके मम्मी पापा काफी हाई क्लास लगाते हैं, आप लगाओ, मगर बच्चों के पहले कंसेप्ट क्लियर करो जो मेरे नहीं थे। और मैं बताऊँ इसलिए मैं काफी चीजें रट्टा मारता था और वैसे याद रखता था, मेरे एक दोस्त भी थे उनका भी यही प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने एक चीज सीखी थी और वो बहुत ही सुंदर सा आज मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। इस चीज को मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए पहले मन की शक्तियों को बढ़ाना जरूरी है, माइंड मेमोरी पावर। ये बहुत ही सुंदर सा किताब या फिर ऑनलाइन कोर्स था जो सीडीज या फिर कैसेट्स, तो 2005 के अंदर मैंने सीखा था। कोई भी चीज अगर सीखते हो ना तो आगे बढ़ते हो, मैंने ये चीजें अपने जीवन में अप्लाई किया कि मेमोरी को बढ़ाने के लिए कुछ मैकेनिज्म समझे मन के, और वो माइंड पावर का टेक्निक मैंने यूज करके 12th में काफी अच्छा स्कोर किया था। देखो यहाँ पे मेरा 12th का रिजल्ट है,
और मुझे 76 मार्क्स आए थे, और ये ज्यादा नहीं है लेकिन मेरे लिए काफी थे क्योंकि मैं पढ़ाई के अंदर बहुत ही अभी ग्रो कर रहा था। बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया, बीटेक मेरा हुआ है, और बाद में मैंने जॉब प्रेफर किया, लेकिन एक चीज चाहता था वो थी कि मैं ये सभी नॉलेज उन बच्चों को दू जो पढ़ाई के लिए फेस करते हैं। तो फेस मैंने फिर स्कूल्स के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर ये चीजें सिखाना शुरू किया कि माइंड से हम कैसी चीजों को याद रखते हैं, और जरूर मैं आपके साथ भी आज शेयर करने वाला हूँ। लेकिन ये सिखाते समय मैंने कुछ और भी प्रोग्राम्स कंडक्ट करता था। मैंने स्टडी किया साइकोलॉजी के बारे में, मैंने स्टडी किया कि माइंड को और भी कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो कुछ प्रोग्राम है जो मैं लाइव सेशन कंडक्ट करता हूँ, जो मैं आज आपके साथ इस वेबिनार के अंदर सिखाने वाला हूँ। पहला जो प्रोग्राम है आज हम सीखने वाले हैं, थर्ड आई को एक्टिवेशन को। 2014 में जाना था, मुझे भी विश्वास नहीं था, आंखें बंद करके देख सकते हैं, मगर ये जो ब्यूटीफुल साइंस है जब पहली बार मैंने सीखा था और 5 बच्चों के ऊपर अप्लाई किया, आंखें बंद करके बच्चे देखने लगे, बाद में 150 बच्चे, बाद में ये क्वांटिटी बढ़ने लगी। बट फ्रेंड्स अभी तक मैंने 4,500 से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दिया है आंखें बंद करके देखने का, और जरूर कहूंगा बच्चे है पेरेंट्स है उनको ये सभी नॉलेज देता हूँ। और ये देने के समय पे मैं और भी एक प्रॉब्लम आ रहा था पेरेंट्स का, सर ये तो ठीक है आंखें बंद करके देखते हैं, बच्चे का मेमोरी विजुअलाइजेशन ये सभी पावर तो बढ़ रही है, मगर मेरा बच्चा बहुत मोबाइल देखता है, बहुत गुस्सा करता है, तब बहुत यानी सुनता नहीं है, स्ट्रेस लेता है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर सा एक ट्रेनिंग लिया था, एक नॉलेज लिया था, एंड दैट वाज एनएलपी। आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी मन का एक बहुत सुंदर सा साइंस है जिससे बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम है जड़ से उसको बाहर लेके आ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम में सॉल्यूशन लाया था एनएलपी से। एक प्रॉब्लम और था बच्चों के रिलेटेड, वो है बच्चों को चश्मे हैं, और आने वाले समय पे बच्चे बहुत टीवी मोबाइल देखते हैं, और इसका सॉल्यूशन मैं चाहता था कि बच्चों के चश्मे कैसे निकाले और उनको कभी जीवन में चश्मा ही नहीं लगे। तो क्या है, तो मैंने एक बहुत ही सुंदर सा साइंस सीखा, दैट वाज रीकी हीलिंग, या फिर आप प्राणी हीलिंग नाम भी जानते होंगे रीकी। ये बहुत ही सुंदर सा साइंस हम बच्चों को और पेरेंट्स को साथ में सिखाते, जिसकी बच्चों की आंखों की सुरक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो मेरे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, आज हम 3 प्रोग्राम इस सेशन में डिस्कस करने वाले, थर्ड आई, एनएलपी एंड रीकी, और ये प्रैक्टिकली मैं आपको अनुभव देना चाहूंगा इन सभी का। मेरा मिशन है, यस, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, मैं इस जीवन में आया हूँ कुछ करने के लिए, मुझे अपने जीवन का पर्पस पता है। और मैं बताऊ, जब सुबह उठता हूं ना, मैं एक ही चीज बोलता हूँ 5 बार कि मुझे थर्ड एक्टिवेशन जो है 10 लाख बच्चों की सिखानी है, उनको थर्ड एक्टिवेशन करना है जिससे उनका जीवन हैप्पी बने, उनका जीवन समृद्ध बने, और वो एक हायर एनर्जी के साथ उनका कनेक्शन बैठ जाए। और मैं बताऊ, ये मिशन मेरा स्टेटमेंट सुबह बोलता हो, शाम में बोलता हो, और मुझे एक चीज पता है, जो भी हम कुछ सोचेंगे ना, जो भी कुछ हम बोलेंगे और जो भी कुछ हम देखेंगे, वो हमारी जिंदगी में काफी लौट के आ जाता है। और जरूर कहूंगा ये मेरे मिशन आज जो मैंने बनाया है, एक वाक्य बनाया है, मेरे जीवन में मुझे क्लैरिटी मिली है, और इसी क्लैरिटी के माध्यम से एक सिद्धांत है आकर्षण का, यानी मन जो भी सोचता है वही हम बन जाते हैं। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स आज इतने सारे लोग आए हैं मैं बताऊं, और मेरे मिशन के लिए ये कंप्लीट कर रहा है। जरूर कहूंगा 10 लाख बच्चों को मुझे थर्ड एक्टिवेशन करना है, आपको सिखाना है। मैं आपको बताऊं, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है आपका समय इंपॉर्टेंट है, मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि समय की कदर करते हुए, आपका टाइम की कदर करते हुए आज कुछ ऐसा ज्ञान दूंगा आपको, शायद इससे पहले आपने ना कभी जाना होगा, ना कभी कभी अनुभव लिया होगा, क्योंकि मुझे ये पता है थर्ड एक्टिवेशन के बारे में 98% लोग नहीं जानते ये क्या साइंस है। और ये हर एक बच्चे को सिखाना या पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। पता है क्यों? इस थर्ड एक्टिवेशन के प्रोग्राम से मैंने अपने जीवन को, हेल्थ को अच्छा रखा है, इस थर्ड एक्टिवेशन को मैंने अपने जीवन में अपने करियर को या फिर अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव किया है, इस थर्ड एक्टिवेशन के मैंने अपने जीवन को, मेरे परिवार को जो हंसता खेलता मैं दिख रहा हूं, ये सभी चीजें मैंने अचीव किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली है ना, आज मैं ये लोग सभी को सिखाता हूँ, ये ब्लेसिंग मुझे मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। जरूर कहूंगा मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सभी जो बदलाव किए हैं थर्ड एक्टिवेशन से, चाहता हूं कि आप भी सीखो, आपके बच्चों को सिखाओ, क्योंकि ये बहुत ही नया और बहुत ही खूबसूरत साइंस है। और मैं बताऊं, हम ज्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे, और आप जैसे पेरेंट्स को मैं, जो काफी सीरियस है, यस मैं देख रहा हूं यहाँ पे ऐसे भी पेरेंट्स बैठे जो काफी सीरियसली मेरी बातों को सुन रहे हैं, और मेरे मिशन में आपका स्वागत है। और जो लोग यहाँ पे आए ना, सच में बोलता हूं आज के समय पे किसी के पास
समय नहीं है, टाइम नहीं है, जो मोबाइल पे आपका यूज जो है, बच्चे का यूज है, गेम्स खेलना या फिर वीडियोस देखना, मूवीज देखना, मगर कुछ नया सीखना भी होता है जीवन में। तो मोबाइल के अंदर आप कुछ नया आज सीखने के लिए तैयार है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, मगर एक चीज जरूर कहूंगा, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो आप मुझे कहोगे वाव, एक वाव का मोमेंट आएगा, जरूर मैं आपसे वादा करता हूं, अंत में आपका वाव मोमेंट रहेगा। लेकिन हम शुरुआत करेंगे थोड़ा सा साइंटिफिक वे से। हम थर्ड एक्टिवेशन को साइंटिफिकली समझते हैं पहले, और बाद में प्रैक्टिकल करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है शुरू के समय पे, लेकिन डीप है। तो एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, मैं काफी सिंपल भाषा का यूज करूंगा, मगर थोड़ा सा फोकस मेरे पास रखिए, आप काम थोड़ा सा साइड में रखिए, पूरा ध्यान मेरे पास। जिंदगी बदल देने वाला एक कंसेप्ट है थर्ड एक्टिवेशन, ये बहुत ही नया और सुंदर साइंस है। थर्ड एक्टिवेशन इसे साइंटिफिकली देखा जाए तो इसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीनियल ग्लैंड जो हमारी ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है, ये देखो यहाँ पे 6 mm का पार्ट है, इसके अंदर दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक है मेलेटोनिन और एक है सेरोटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है पता है, हमारी विचारों को, जो विचार आते हैं दिन भर में, उसको कल्पना में कन्वर्ट कर देता है, और वो कल्पना से हमें चित्र, इमेजिनेशन दिखाता है। यानी मेलेटोनिन का काम है कल्पना करना, इमेजिनेशन, फोटोग्राफ कहते हैं हम उसे, फोटोग्राफिक मेमोरी कहेंगे, तो वो फोटो दिखाता है हमारे, आंखें बंद करके जैसे हम इमेजिन करते हैं ताजमहल तो ऐसा शेप आ जाता है, या फिर महात्मा गांधी तो उनका शेप आ जाता है। तो ये जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, ये ड्यू टू मेलेटोनिन है। सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे दोनों ब्रेन को बैलेंस रखता है, अभी ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं मेलेटोनिन, ये अंधेरे में सीक्रेट होते हैं, यानी रात को सोते समय, यानी जब आप अंधेरा होता है, हम जो सपने देखते हैं, कितने लोगों का ये अनुभव है मुझे बताओ, सच में रात को जब आप सो जाते हो ना, कुछ ऐसा सपना देखते हो, ऐसा लगता है कि पूरा रियल चालू है, और कोई एक्सीडेंट होता है, फटाक से उठ जाते हो और घबरा जाते हो, ऐसे कितने के साथ हुआ है। ओके, काफी लोगों के साथ हुआ है, और जरूर कहूंगा ये जो सपना लाना या फिर ये जो देखना हम इमेजिनेशन करते हैं रात को सपना, ये मेलेटोनिन की हार्मोन की पावर है। और ये मेलेटोनिन हार्मोन, अगर आप एक बायोलॉजिकल टर्म जानते होंगे या मेडिकल फील्ड में अगर हो, अगर आप डॉक्टर हो तो आप जानते होंगे, ये मेलेटोनिन जो है हमारे आई साइट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। और जिन बच्चों को चश्मा है ना, स्पेक्स लगे हुए है, चश्मा है, उनका मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो कम हुआ है। जैसे शुगर होता है ना, वो शुगर वाले को मीठा नहीं चलता है, उसी प्रकार जो चश्मे वाले है ना, उनकी जो हार्मोन है वो कम हो जाता है मेलेटोनिन, उनकी विजन्स को कम कर देता है। और जरूर कहूंगा इसके सिक्रीशन को बढ़ा सकता है, मेलेटोनिन को हम इंक्रीज करके आंखें बंद करके देख सकते हैं। अभी आंखें बंद करके देखने का क्या साइंस है, सिंपल भाषा में बोलू, बाद में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, थोड़ा सा डीप भी जानेंगे। आंखें बंद करने का साइंस क्या है, सिंपल है। कितने लोगों ने सुना है कि ध्यान में जो भी संत हुए हैं, महापुरुष हो गए, या फिर बड़े बड़े सफल लोग हुए, उन्होंने मेडिटेशन किया। एग्जाम्पल बोलू, स्वामी विवेकानंद या लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्ध, इन्होंने अपने मेडिटेशन के अंदर, ध्यान के अंदर सत्य को जाना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और उस सत्य को जान रहे थे ध्यान में। ऐसे कितने लोगों ने सुना है, हाथ ऊपर कीजिए। मेडिटेशन में हम सत्य को जानते हैं, मेडिटेशन के अंदर नॉलेज लेते हैं, कितने लोग जानते हैं। जरूर कहूंगा यही चीज है हमारे फ्रेंड्स, जब हम ध्यान करते हैं तब हमारे दोनों माइंड एक जगह पे आते हैं, विचार शून्य अवस्था में, हम जो भी कल्पनाएं करते हैं ना, इमेजिन करते हैं, वो सत्य होता है। और यही सत्य हमारे फ्रेंड्स जो संत है उन्होंने देखा और उन्होंने जाना। जैसे लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, मैं दूसरा घर नहीं बनाऊंगा, मैं सत्य को जान चुका हूं। तो यही चीज हमारे फ्रेंड्स, हम ध्यान में कल्पनाओं से सत्य देखते हैं, मगर ये चीजें पता नहीं थी, किसी ने देखा भी नहीं, कि जब हम आंखें बंद करते हैं, ध्यान में होते हैं, विचार शून्य होते हैं, तब हम आंखें बंद करके कोई चीज भी देखेंगे ना, वो भी दिख सकती है। ये किसी को पता नहीं था, और यही साइंस हमारे फ्रेंड्स जापान के अंदर 1998 में एक साइंटिस्ट मुटेको सिचिडा नाम है उनका, और उन्होंने डिस्कवरी किया। और जब इंडिया में ये 2013 में आया था ये साइंस, तब जाके हमारे फ्रेंड्स दुनिया को पता चला कि हम आंखें बंद करके देख सकते हैं, और ये ब्यूटीफुल साइंस। इससे क्या हो सकता है, क्या हम कारनामे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारे फ्रेंड्स हमारा जो दोनों ब्रेन है, अभी ध्यान से समझे, थोड़ा सा डीप है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। हमारा दोनों ब्रेन होते हैं, एक है कॉन्शियस और एक है सबकॉन्शियस। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, सबकॉन्शियस के पास 90% पावर है। और इसके पास जो पावर है क्रिएटिविटी का, इसके जो पास है इमेजिनेशन का,
जिसके पास जो पावर है इमोशनल या फिर क्रिएटिव चीजें जैसे डांस म्यूजिक गेम्स या फिर मेमोरी का, इन सभी जो 90% पावर है इसको बढ़ाने के लिए आपको थर्ड आई को खोलना पड़ेगा या फिर पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेशन करना पड़ेगा। साइंस ये कहता है आज ज्यादातर लोग अपने लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं यानी बाहर की दुनिया का यूज करते हैं यानी हमेशा आंखें खोलना, लेकिन आंखें बंद करके भी हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं इमेजिनेशन क्रिएटिविटी से या अपनी मेमोरी से, वो हो सकता है बाय थर्ड एक्टिवेशन या पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन से। ये सबकॉन्शियस के पास पावर है इमेजिनेशन क्रिएटिविटी 90% पावर, और हमारे अंदर जो मेमोरी पड़ा है जो बरसों का है उसको हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके जीवन में एक बढ़िया सा लाइफ जी सकते हैं। अभी ध्यान से सुनिए, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस यानी जागृत यानी आंखें खुली है यानी आप कॉन्शियस, आंखें बंद है तो सबकॉन्शियस है यानी जब हम नींद लेते हैं या फिर ध्यान करते हैं उस समय पे हमारा जो ब्रेन है सबकॉन्शियस में होता है। आइए जानते हैं मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे क्या राज है ये सभी सीखने का। अभी देखो ध्यान से सुनिए, जो दोनों ब्रेन है एक साथ नहीं आते हैं यानी एक साथ, ज्यादातर हम जागते हैं उस समय पे सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा काम नहीं करता है, पर जब हम सो जाते हैं यानी नींद लेते हैं उस समय पे कॉन्शियस माइंड नहीं काम करता है यानी दोनों एक जगह पे नहीं आते। उसको आने के लिए हमें एक चीज सीखना पड़ेगा, वो है स्टेट ऑफ माइंड। ध्यान से सुनिए, डीप है, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, बीटा अल्फा डेल्टा थीटा, बीटा यानी कॉन्शियस यानी जागे हुए हो आप, अल्फा यानी आप सोने के लिए जा रहे हो, थीटा यानी नींद लग गई और डेल्टा यानी गहरी नींद यानी डीप स्लीप। ध्यान से सुनिएगा, बीटा यानी जागृत अवस्था यानी आपकी आंखें खुली है उस समय पे आपके विचार ज्यादा है यानी 14 to 30 hours, अल्फा यानी आप सोने के लिए गए, थीटा यानी नींद आ गई, डेल्टा यानी डीप स्लीप। अभी देखो, बीटा में आपका मन कॉन्शियस होता है, थीटा और डेल्टा में सबकॉन्शियस होता है, मगर एक ऐसी अवस्था है जो दोनों के बीच में है वो है अल्फा। इस अवस्था में क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आ जाता है, उनका मिलन हो जाता है, और ये दोनों जब ब्रेन एक साथ में आते हैं ना, जो भी कुछ बोलोगे, जो भी कुछ फील करोगे और जो भी कुछ अनुभव लोगे ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट लाके देता है। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। कितने लोगों का ये अनुभव है, जब हम सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और एक बहुत सुंदर सा सपना देखा लेकिन जाग गए, अरे वो सपना याद ही नहीं आ रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अरे वो सपना याद ही नहीं आता है, ऐसे काफी लोग हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि हम उस समय पे कॉन्शियस नहीं है। रात को नींद में हम सब कॉन्शियस, विचार शून्य करने पड़ते तभी जाती नींद आती है, यानी आपको कॉन्शियस माइंड को बंद करना पड़ेगा तब नींद आएगी। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं, हमारी दोनों माइंड एक जगह पे आते हैं उससे कहते हैं अल्फा। ये आती है हमारे फ्रेंड्स दो बार, कब आती है दो बार, ये दो बार कब आती है हमारे फ्रेंड्स, दो बार 5-5 मिनट के लिए ये अवस्थाएं आती है, और सभी लोग मैं बताऊं यहाँ पे बिफोर स्लीप यानी सोने से पहले 5 मिनट के लिए, और आफ्टर वेकअप यानी आप जब उठ जाते हो उस समय पे 5 मिनट के लिए। अभी ध्यान से सुनिए, इसे मैं कहूं अल्फा अवस्था, एक ऐसी अवस्था है जहां पे दोनों माइंड जब इकट्ठा आते हैं ना, हम जो भी बोलेंगे फील करेंगे वो मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट जिंदगी में आने लगता है। जो लोग माइंड पावर के बारे में जानते होंगे, जो लोग थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, वो पता है कि हमारा माइंड जो भी बोलता है सुनता है और वो अंदर तक गया ना, वो लौट के हमें मिलता है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, एक मैजिक है ये मैजिक, जितने भी सफल लोग हुए हैं ना इस अल्फा को जानते थे, जैसे बिल गेट्स है या फिर सचिन तेंदुलकर या बड़े बड़े सेलिब्रिटी का बोलूं मैं या महान लोग बताऊं जैसे लॉर्ड बुद्धा, वो इस अल्फा को बारे में जानते थे, वो ये पता था जो भी हम यहाँ पे देखेंगे ना वो हमारी जिंदगी में लौट के आएगा। तो जरूर कहूंगा ये मैजिक अवस्था आपके बच्चों को सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपके बच्चों में अंदर प्रॉब्लम से पढ़ाई नहीं करता, गुस्सा करता है, मोबाइल खेलता है, एक एनएलपी का सुंदर साइंस है, लेकिन ये साइंस सिखाने से पहले एक मैजिक करेंगे। कितने को मैजिक अच्छा लगता है, हाथ ऊपर करिएगा, मैजिक बहुत पसंद है, रेज द हैंड, वाओ काफी लोगों को। ये बच्चों के लिए हो रहेगा, बड़ों के लिए भी रहेगा, लेकिन 100% देना है। जो 100% देगा ना, तो उसको मैं ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं जिससे बच्चों की प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन 100% चाहिए। कितने लोग 100% देंगे, आए से आए, वाओ काफी लोग हैं, ग्रेट। दोनों हाथ ऐसे लो, सभी करो, सभी सभी दोनों हाथ ऐसे लेके यहाँ पे स्लीपिंग लाइन है, देखो यहाँ पे स्लीपिंग लाइन है, दोनों को ज्वाइन 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 करो, ठीक से मानो कि एग्जैक्टली वो ज्वाइन हो सके, इक्वली ज्वाइन हो सके, इसलिए हम कर रहे हैं। ओके, और हाथ को क्लोज करो, ऐसे क्लोज करो हाथों को, बीच वाले फिंगर को देखो, किसी की लिप वाली बड़ी होगी,
किसी की राइट वाली बड़ी होगी, किसी के दोनों सेम भी हो सकते हैं, किसी के दोनों सेम हो सकते हैं, किसी का लेफ्ट किसी का राइट, दोनों सेम भी हो सकते हैं। चलो ट्राई इट, मैं देख रहा हूं कि काफी बच्चे कर रहे हैं, मम्मी पापा आप भी करो प्लीज, आप भी करो बच्चों के साथ, क्योंकि जब आप भी करोगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कितना जबरदस्त काम करता है 100%। प्लीज अभी क्या करना है, चेक किया आपने, हाथ निकाल दो, कितने बच्चे हैं जिनका लेफ्ट हैंड बड़ा था, हाथ ऊपर कीजिए, लेफ्ट हैंड बड़ा था यानी थोड़ा सा ऊपर था जब चेक किया तो, ग्रेट। राइट वाला बड़ा था, राइट हैंड, ओके। कितने दोनों सेम थे, सेम वाले हाथ ऊपर करो, अरे सेम वाले ज्यादा है। मैं बताऊ अभी करना क्या है, मैजिक क्या है, मैजिक ये है जो हाथ छोटा था यानी जब चेक किया छोटा था तो उसको सामने लो उसको बड़ा करेंगे, मैजिक ये है। जो हाथ छोटा था उसको सामने लो, उसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, उसको देखो, और जो हाथ दोनों सेम थे, सेम वाले सेम थे, दोनों हाथ ऐसे चेक किया सेम थे, उनके पास ऑप्शन है कौन सा भी लो, ये लो या फिर ये लो सामने लो, मगर कौन सा भी आपके पास ऑप्शन है। चलो अभी क्या करना है, अभी ये मैजिक है, सभी करेंगे, सभी मैं कहता हूं जो ये मैजिक करेगा ना उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि अल्फा में जो पावर है ना वो ज्यादा होती है और वो मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट लाके देती है। हम यहाँ पे बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक सीख रहे हैं, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। ऐसे हाथ लो अभी प्लीज, ये हाथ ऐसे पकड़ो, अभी कॉन्शियसली देखो, आंखें खुल के देखो, कॉन्शियस माइंड 10% पावर। अभी हाथ की तील्स को देखो, हाथों के लाइंस को देखो, हाथ के ऊपर जो भी है सभी को देखो, और देखते हुए बोलो, जोर से बोलना है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है। आंखें बंद करो, अभी आंखें बंद, क्लोज योर आईज, आंखें बंद, कोई आंखें नहीं खोलेगा, जो आंखें खोलेगा उसका हाथ नहीं बड़ा होगा, क्योंकि हम सब कॉन्शियस में जाएंगे यानी अर्ध जागृत मन, जब आंखें खुल बंद हो जाती है तो हमारा 90% ब्रेन काम करता है। आंखें बंद करते हमारे ब्रेन के अंदर पावर है इमेजिनेशन, कल्पना करो अपने हाथों की, पूरा फोकस हाथों के ऊपर, यहां वहां ध्यान नहीं देना है, आंखें बंद करके पूरा फोकस हाथों के ऊपर, और हाथों के ऊपर ध्यान देते हुए बोलो, बोलो इमोशन के साथ, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, माय हैंड इज ग्रोइंग अप, माय हैंड इज ग्रोइंग अप, मेरा हाथ बहुत बड़ा हो गया है, वाओ मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बहुत ही बड़ा हो गया है, वाओ। आपको इमोशन के साथ बोलना है और जोर से बोलना है, मन ही मन नहीं बोलना है, जो मन ही मन बोलेंगे उनका नहीं होगा, वो जोर से बोलो, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, 3 बार पूरे इमोशन, इमोशन हमारी ब्रेन की पावर है, राइट ब्रेन की पावर, इमोशन के साथ बोलो, माई हैंड इज ग्रोइंग अप, माई हैंड इज ग्रोइंग अप, माई हैंड इज ग्रोइंग अप। आंखें बंद, आंखें नहीं खोलेगा, 3 बार दिल से हिंदी में बोलेंगे, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, माई हैंड इज ग्रोइंग अप, मेरा हाथ बड़ा हो चुका है, वाओ, बोलो वाओ, वेरी गुड। हाथ ओपन, ऐसे निकाल दो, अभी निकाल दो, आंखें ओपन, चलो रेडी, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन चिपकाओ, एंड चेक इट, 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 चेक चेक करो चेक, और जिनका हाथ बड़ा हुआ है ना उन्होंने चैट में लिखाओ, आई 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 लिखो, मैं पढ़ना चाहूंगा, काफी लोग जो आई लिखने वाले, अभी जिनका हाथ बड़ा हुआ है ना उन्होंने लिखना है आई 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 आई। संजय बोल रहे आए, हर्ष बोल रहे आए, रेडवी बोल रहे आए, देवांश बोल रहे आए, मोहक बोल रहे आए, अनुज बोल रहे आए, मैं जरूर कहूंगा, वेरी गुड। इतने सारे आए मैं देख रहा हूँ, वेदांत लिख रहे आए, और अतुल लिख रहे आए, तारक लिख रहे आए, देवांश लिख रहे आए, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। और मैं बताना चाहूंगा सभी लोग पूरी एनर्जी के साथ हाथ ऊपर करो लाइक दिस, जिनके हाथ बड़े हुए उनके हाथ ऐसे ऊपर करो और बोलो वेरी गुड। अपने आप को बोलो वेरी गुड। मैं बताऊं एक बहुत ही सुंदर सा साइंस हमने सीखा, लेकिन मैं बताऊं ये क्यों हुआ, क्योंकि जब हम बोलते हैं, फील करते हैं और अनुभव लेते हैं ना, तो हमारी जिंदगी में मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट आते हैं। कितने लोगों का ये अनुभव है मुझे बताना है सभी ने, कितने लोगों का ये अनुभव, जब हम सुबह उठते हैं ना कोई गाना सुनते हैं, कोई मॉर्निंग में सॉन्ग, तो दिन भर उसे गुनगुनाते हैं, ऐसे कितने के साथ हुआ है? Yes, काफी लोगों के साथ। ऐसा किसके साथ हुआ है कि मॉर्निंग की शुरुआत खराब हो गई, पूरा दिन खराब जाता है। ऐसा भी होता है, यानी मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट आते हैं। इसीलिए माय फ्रेंड्स, हमारे पूर्वज जानते थे, वो कहते थे हमें, मम्मी पापा दादा दादी सुबह पे पढ़ाई करो ज्यादा याद रहेगा, या फिर सुबह के समय पे वो कुछ अच्छे अच्छे मंत्र बोलते थे, अच्छे अच्छे शब्द बोलते थे जो सोए ना उनके कानों में जाए, या फिर रात को सोने से पहले हमारी दादी माँ हमें कहानियां सुनाती थी, वो कहानियां आज भी हमें याद है ना, क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस में वो मेमोराइज होता है लॉन्ग टर्म के लिए। और जरूर कहूंगा जितने भी सफल लोग हैं ना इस अवस्था को जानते हैं, उन्होंने सफलता पाई है। मैं भी अपने मिशन को रात को सुबह बोलता हूँ, शाम पे
सोने से पहले बोलता हूं, अभी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, ये होमवर्क सभी ने करना है। ध्यान से सुनिए, जितने भी बच्चे हैं जिनका हाथ बड़ा हुआ है, और ऐसे भी है जो महान आत्माएं हैं, ओके, ऐसे भी लोग यहाँ पे महान आत्माएं जिन्होंने चेक किया, हाथ बड़ा नहीं हुआ, वो क्या कर रहे थे बताए, वो आंखें बंद नहीं कर रहे थे, ऐसे ऐसे देख रहे थे, हाथ नहीं बढ़ा होगा। मैंने आपको कहा था कि आप आंखें बंद करो, इमेजिन करो और फील करो। ध्यान से सुनो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से, एक होमवर्क है, रात को सोने से पहले बच्चों को क्या करना है, ये डेली अफर्मेशन बोलने हैं, जैसे मेरी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है, दिन भर दिन रीडिंग की स्पीड बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, मुझे टीवी देखना मोबाइल खेलना बोर फील करता है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो प्लीज, स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट निकालो, ये जो मोबाइल है ना, स्क्रीनशॉट निकालो, एक अच्छा सा यूज करो मोबाइल का, ये जो फोटो है अच्छा सा स्क्रीनशॉट निकाल के, आपको ये होमवर्क में दे रहा हूं बच्चों के लिए, मम्मी पापा बच्चों का ये होमवर्क करवाइए, ग्रेट। क्या करना है, बच्चों को रात को सोने से पहले ऐसे वाक्य बोलोगे तो होगा कुछ ऐसा, ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। हम अपने सजेशन से, जैसे एक खिलाड़ी होता है ना, वो जब क्रिकेट में खेलता है बोलता है यस 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 यस, जब वो यस बोलता है तो पावर आती है। अगर कुछ नहीं बोलोगे वैसे ही सो जाओगे तो कुछ बदलाव नहीं आएगा। ये चेंज माइडिफेंस, मैंने जितने भी पेरेंट्स को बताया सिखाया, उनके बच्चों में 5 या 6 दिन के अंदर टोटली बदलाव आता है, उनकी मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन एक फॉर्मूला है उसको बोलने का, ध्यान से सुनिए, ये बोलते समय आपको अपने राइट ब्रेन का यूज करना है, नॉट लेफ्ट ब्रेन। कैसे बोलना है, जैसे दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, कैसे बोलना है, आपको आंखें बंद करनी है, आपको आंखें बंद करनी है और बोलना है दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरा मेमोरी बहुत स्ट्रांग हुआ है, दिन भर दिन में एक बार पढ़ता हूं तुरंत याद हो जाता है, यस यस एंड यस, ऐसे बोलोगे तभी काम करेगा। ऐसे नहीं बोलना है जैसे हाथ में लिया, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, कुछ नहीं बढ़ेगा ऐसा बोलने से, कुछ नहीं बढ़ेगा। यानी आपको इमोशंस का यूज करना है, फील यूज करना है और देखना है आंखें बंद करके। हाथ में पेन लेना, इमेजिन करो ये बुक है, ऐसे इमेजिन करो, नाटक करो बस, दिन भर दिन में राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, चेहरे पे स्माइल, यस दिन भर दिन में राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, वाओ दिन भर दिन में राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है, वाओ दिन भर दिन में राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है, वाओ यस यस एंड यस, पूरे इमोशन के साथ, खुशी के साथ। ऐसे नहीं दिन भर दिन में राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, दिन भर दिन में राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, दिन भर दिन में राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, कुछ नहीं बढ़ेगा। हाँ, ऐसे रोते हुए नहीं करना है, हंसते हुए 100% 90% पावर। माय फ्रेंड्स, अभी तक आपको 35 मिनट्स हुए यहाँ बैठे हुए, कितने मिनट्स हुए, 35 लग रहा है आपको, 35 मिनट्स आप बैठे हुए एक जगह पे शायद नहीं लग रहा है, क्यों पता है, क्योंकि मैं सबकॉन्शियस का यूज कर रहा हूं, मैं अपने शब्दों को कम नीचे ऊपर कर रहा हूं, इमोशन मैं आपको यहाँ पे क्रिएटिव चीजें कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, और मैं आपको विजुअल हूं, यानी मैं शब्द बोल रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मेरे आंखों में आके डाल के देख रहे हो। अगर ये ना हुआ होता, सबकॉन्शियस का यूज, 90% का यूज, अगर कॉन्शियस माइंड का मैंने यूज किया होता, जिसके पास 10% पावर है, तो ये वर्कशॉप कैसे होता पता है। सभी लोगों का स्वागत है, आज हम थर्ड एक्टिवेशन सीखने वाले हैं। थर्ड आई एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, जिससे आपके बच्चे का मेमोरी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इतना ही नहीं आपके बच्चे का जो आज के समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी में चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते, बेटा पहला तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। यानी ये मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं या फिर ये बोल रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक इमोशनल ब्रेन है जिसके पास 90% पावर है। जरूर कहूंगा ये शब्द, वो जो वाक्य मैंने दिए हैं, मम्मी पापा आप भी अपने लिए बात सकते हो, जैसे मेरी हेल्थ दिन ब दिन बहुत अच्छी हो रही है, मेरे जीवन में हर एक समय पे मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका, हर समय पे पैसा आ रहा है, या फिर मेरे रिलेशन बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, हमेशा मैं खुश रहता हूँ या रहती हूँ, जो भी है। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे बोलोगे रात को सोने से पहले, उठने के बाद आपकी जिंदगी के अंदर चेंज आता रहेगा। एक सफल इंसान अलग नहीं करता, वो बस अलग तरीके से अपनी जिंदगी जीता है। कितने लोग कहेंगे, कितने बच्चे कहेंगे से आए, कितने हैं, वाह काफी लोग हैं, काफी बच्चे हैं। जरूर कहूंगा आपके बच्चों के लिए और एक गिफ्ट देना चाहता हूं। आपको एक एक्टिविटी करना है, सभी के लिए एक चीज आपको यहाँ पे करनी है, वो क्या है, आपको अभी एक काम करना है, एक गिफ्ट दे रहा हूं इसी के रेफरेंस में, ये जो सजेशन है ना, इसके रेफरेंस में बहुत ही सुंदर सा मेडिटेशन देना चाहूंगा। कितने लोग ये जो अफर्मेशन है ना पॉजिटिव, ये रेडीमेड चाहते हैं, मेडिटेशन में चाहते हैं, मेडिटेशन यानी बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, मैं बोल रहा हूं, बच्चे सुन रहे हैं, बस कुछ नहीं करना है,
स्पीकर पे या फिर एयरफोन पे सुनना है? कितने लोग चाहते हैं ऐसा कुछ मिले आपको? काफी लोग चाहेंगे ना। ओके, ये सभी जो चीजें हमने एक ऑडियो बनाया है और ये कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसके पीछे का बहुत बड़ा साइंस बताया है। आपको एक काम करना है, अभी हमारी यूट्यूब चैनल पे जाना है। चलो चलो मोबाइल खोलो। ओके, मेरे पास देखो मोबाइल, जाओ मोबाइल पे सर्च करो यूट्यूब, जाओ। अभी मीटिंग एंड नहीं होगा, अगर होम पेज दबाया तो होम पेज दबाओ, यूट्यूब जाओ, यूट्यूब पे टाइप करो, यूट्यूब पे ये लाइव भी चल रहा है, यूट्यूब पे टेलीकास्ट हो रहा है अभी। यूट्यूब पे डालो योगेश दही हंडे, योगेश दही हंडे, याद रहेगा दही हंडे। तो ओके, तो टाइप करो योगेश दही डी एच आई। अभी क्या, अभी करो सभी होमवर्क अभी है, मैं आपको एक सुंदर सा मेडिटेशन दे रहा हूं। योगेश दही हंडे टाइप किया, वेरी गुड। आगे लिखो वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर, और टाइप करो मेमोरी। सभी ने करना है, ये बहुत ही सुंदर सा मैं चीज दे रहा हूं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, इतना जबरदस्त है। आप मुझे दिल से कहोगे सर क्या चीज दिया आपने मुझे, और हमने अपने जीवन में ये बहुत ही बड़े साइंस को समझा और ये काफी इंटरेस्टिंग है। सर्च करो इधर, और कितने लोगों को ऐसा एक वीडियो दिख रहा है, ऐसा एक वीडियो ये देखो वाटर मेमोरी, खबरदार वीडियो देखो। ऐसा वीडियो किसको दिख रहा है, हाथ ऊपर करो। ओके वेरी गुड। इसको क्या करो, ओपन करो। ओके और इसको सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे बटन है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब भी कर दो। ओके मैं आपको बताऊ क्यों करना है, क्योंकि मैं आपको कई चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि आपके बच्चों की मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, बच्चों के प्रॉब्लम्स के लिए हमने 400 से भी ज्यादा वीडियो डाले हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो प्लीज 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 अपने बच्चों को और आपको देखना है। और मैं बताऊं, दिल से बता रहा हूं, जो इस वीडियो को देखेगा ना वो कभी नकारात्मक नहीं सोचेगा। जो इस वीडियो को देखेगा ना, और इसमें टेक्निक सिखाया मैंने बहुत ही सुंदर है वाटर का, पानी का, ये वीडियो जरूर दिखाइए बच्चों को। और आपके बच्चे, मैं कहूंगा 4 या 5 दिन बहुत हो गए, उसके अंदर बहुत सारा चेंज आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन को भी दबाओ, बेल बटन को, और यहाँ पे लिखो वी हैव सब्सक्राइब चैनल। किसने चैनल सब्सक्राइब किया मैं पढ़ना चाहूंगा, कितने लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जस्ट मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। ओके मोहित है, आई हैव सब्सक्राइब, सोहन है, बोल रहे आई, वेरी गुड। तारक है, बोल रहे आई सब्सक्राइब, उदय है, आई हैव सब्सक्राइब, थैंक यू। बट फ्रेंड्स, आपको ये चैनल के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, या फिर मेडिटेशन के ऊपर, या फिर माइंड पावर के ऊपर, या थर्ड एक्टिवेशन के ऊपर काफी सारे वीडियोस मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब पे, और आपको वहां पे काफी सारा नॉलेज पड़ा है, यानी हमने पिछले 7 सालों से इसके ऊपर काफी रिसर्च करके वीडियोस डाले हैं। हेल्प करेगा फाइनेंशियल, या फिर हेल्थ के लिए, या फिर मनी के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, हर एक एरियाज में हमने कवर किया है। और मैं आपको बताऊं, ये जो अल्फा स्टेट है ना, जो बहुत सुंदर है, या फिर उसके अंदर एक बहुत एक बड़ी शक्ति मिलती है, और वो शक्ति हमारी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। ध्यान मेडिटेशन में हम ज्यादा समय के लिए अल्फा में होते हैं। मेडिटेशन में हमारी दोनों माइंड एक जगह पे आते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, और इसे कहते हैं स्टेट ऑफ अल्फा। अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी प्रैक्टिकल है इसके बाद। अभी ये जो मेडिटेशन है ना, इसकी हम टाइम को जो है बढ़ाने वाले हैं, अल्फा स्टेट को बढ़ाने वाले हैं, जहां पे दोनों माइंड एक जगह पे आते हैं। इस अवस्था में हमें एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है, और ये शक्ति क्या करती है, कॉस्मिक एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा है जो ब्रेन के जो पीनियल ग्लैंड है ना, उसके अंदर जाके जो हार्मोन है मेलाटोनिन, उसको वो बढ़ाती है, और वो बढ़ाने के बाद हमारी कल्पना शक्ति इंक्रीज होती है। एक सिंपल सा साइंस है, ओके, बहुत ही जबरदस्त है। अभी ध्यान से सुनिए, सभी नकारात्मक चीजों को हमने निकाला थ्रू दैट अल्फा स्टेट। अभी कुछ डालेंगे भी बच्चों के अंदर, ऐसा कुछ डालेंगे जो बहुत ही जबरदस्त और आपके बच्चों का पूरा लाइफ सेट कर देगा। अभी मैं बताऊं, कॉस्मिक एनर्जी को हम यहाँ पे डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ये ऐसा साइंस है जो मैंने 25 साल की उम्र में सीखा था, और मैं बताऊं, ये सीखने के बाद आप मुझे आज कहने वाले हो सर इट्स समथिंग अमेजिंग था। ओके, कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है, एक एक शब्द, पूरा जो वर्ल्ड है यानी पूरी जो दुनिया है एक एनर्जी से चल रही है। जैसे एक साइंटिस्ट से पूछो ये दुनिया किसने बनाई, वो कहेगा एनर्जी से बनी हुई है। एक आध्यात्मिक इंसान से पूछोगे ना ये दुनिया किसने बनाई, वो कहेंगे भगवान ने बनाई है। आप उसे भगवान, उसे आप एनर्जी कुछ भी बोलो, लेकिन कोई तो भी है जो इस दुनिया को चला रहा है। यानी पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो भी कार्य हो रहे हैं, पेड़ पौधे बनना, कीड़े मकोड़े बनना, ये सभी जो चला रहा है वो है कॉस्मिक एनर्जी। और ये एनर्जी हमें चाहिए होती है
डेली रूटीन में काम करने के लिए। लेकिन ये एनर्जी आती कहां पे, काफी कम लोग जानते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं, ये जो एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी जिसे मैं कहूं हायर एक स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसे हम दुआ, जिसे ब्लेसिंग्स या फिर आशीर्वाद कहते हैं, ये कहां पे मिलती है, ध्यान से सुनिए। जब हम सो जाते हैं नींद में, विचार शून्य में, तब ये एनर्जी आती है, नींद में मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, नींद में। कितने लोगों ने यह सुना है, लॉर्ड बुद्धा ने 6 साल ध्यान किया था, मेडिटेशन 6 साल, एट द एज ऑफ 30 वो बैठे, 35 के अंदर उन्होंने ध्यान छोड़ दिया। उस एज में उन्होंने कुछ खाया नहीं था और पानी भी नहीं पिया था, 6 साल तक ध्यान किया था। उनका बॉडी कैसे चल रहा था, माय फ्रेंड्स, कॉस्मिक एनर्जी। हमें कॉस्मिक एनर्जी मिली ना, हमारी सभी थकावट या एनर्जी इतनी बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। और मैं बताऊं, ये एनर्जी हमें मिलती है 10%, कितना परसेंट, 10। एक नॉर्मल इंसान इस एनर्जी को बस 10% पाता है, और वो कहां पे पाता है पता है, नींद में, सोते समय। और ये 10% क्यों है, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग कॉन्शियसली, कॉन्शियस नहीं ले रहे, इसलिए 10%। अभी ध्यान से सुनिए, कितने लोगों ने ऐसा कुछ अनुभव लिया है अपने जीवन में, आपका सिर में दर्द है, सिर बहुत दुख रहा है, गोली नहीं है पेन किलर खाने की, और आप सो गए, सुबह उठे तो पेन था, सिर दर्द था, गायब है। कितने लोगों का अनुभव है, यानी सिर में दर्द था, सो गए, फिर ठीक हो गया, कितने कितने लोगों, सभी लोगों का है। या फिर ऐसा भी अनुभव हो रहा होगा, आपके हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, पूरे थक गए हो और कह रहे हो मैं अभी नहीं उठ सकता, बहुत थक गया हो, और जब आप सो जाते हो ना, सुबह उठते हो, वो जो थकावट है ना, 80% गायब हो जाती है। ऐसे कितने के साथ हुआ है, यानी नींद अगर आप एक दिन नहीं लोगे, दो दिन नहीं लोगे, तीन दिन नहीं लोगे, तो आपका सर भारी हो जाता है, सिर में दुखना शुरू होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। यानी नींद, यानी हमें एक एनर्जी मिलती है, नींद नहीं मिला, नींद नहीं लिया, तो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को खराब कर देती है। ये एनर्जी की कमी हमें बॉडी को एक डल बनाती है, मेमोरी कमजोर करती है, और सिर में दर्द, हाथ में दर्द, डाइजेशन, सभी चीजें खराब कर देती है। अभी मैं बताऊं, ये एनर्जी हमें चाहिए, लेकिन हमें जो नींद में मिलती है वो 10% है। इसीलिए हमारे जो कार्य है, यानी पढ़ाई हो या फिर कंसंट्रेशन हो, वो कम है, लेकिन इसको हम ज्यादा ले सकते हैं। कैसे, एक चीज है, एक टेक्निक है, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर सी टेक्निक है आपके लिए और बच्चों के लिए, वो है माय डिफेंस। इस टेक्निक का यूज करके हम इस एनर्जी को ज्यादा लेंगे, वो है मेडिटेशन। क्या है, ध्यान। ध्यान के अंदर ये कॉस्मिक एनर्जी को ज्यादा रिसीव करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए, हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, आंखें बंद। जब ये तीनों दरवाजे को बंद करोगे, आंखें, हाथ और पैर, तो एक एनर्जी का सर्किट बनेगा, एक सर्कल में आपके सराउंडिंग एनर्जी घूमेगी, बाहर नहीं जाएगी। जब आप ध्यान करोगे ना, एक प्रॉब्लम है जो सताएगी, वो क्या है, विचार। ये जो गोले है ना विचारों के, वो आपको मेडिटेशन नहीं करने देंगे। मगर एक चीज बताऊं, वो है, इन विचारों को बचने के लिए आपको ब्रीदिंग प्रोसेस को ध्यान देना पड़ेगा, जो हमने सभी जानते हैं, मगर एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा। हमारी जो सांसें है ना, उसको इमेजिन करो, ये किसी ने नहीं सिखाया होगा, उसको ब्लू कलर का देखो, और वो दिख भी जाती है। नीले कलर की सांसों को काउंट करो, 1, 2, 3, 10, 15, 15 सांसों बहुत हो गए। बाद में देखोगे 15 सांसों के बाद आपकी जो ब्रीदिंग है ना, वो स्टाइल बदल जाएगी, छोटी हो जाएगी, छोटी 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 और भी छोटी हो जाएगी, और दोनों आंखों के बीच में एक प्रकाश का रूप लेगी। यानी इस अवस्था में ऐसा फील होगा, सांसें बंद है, विचार शून्य है, बाहर का आवाज भी नहीं आ रहा है, बॉडी का वेट जीरो हो चुका है, ऐसा कुछ फील होगा। और इस अवस्था में आसमान से जब इमेजिन करोगे कि ब्लू कलर की लाइट हमारे शरीर में जा रही है, बॉडी में जा रही है, और हमारी अंदर जा रही है, ऐसा अनुभव है ये, जिसे मैं कहूं परम आनंद। और काफी कम लोग इस अवस्था तक पहुंचते भी है। इस अवस्था में जो एनर्जी हमें मिलती है ना, वो हाई होती है, हायर एनर्जी का अनुभव यहां बैठे बैठे हम पा लेते हैं। और मैं बताऊं, जिन्होंने अनुभव लिया ना, वो कभी ध्यान छोड़ नहीं सकते। ये जो एनर्जी है ना, हमारे एक अलग शरीर है, नाड़ी का, जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है खुले आंखों से। जब हम आंखें बंद करेंगे तो हमारा बॉडी कुछ ऐसा दिखता है, वो है नाड़ी का शरीर। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। अभी ध्यान से सुनियो, ये नाड़ी का क्या काम है और ये क्यों है। हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां होती है, एक नाड़ी दूसरे नाड़ी के ऊपर आती है कुछ इस तरह से, वहां पे चक्र फॉर्म होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर 112 चक्र है, और हमारा जो स्पाइन है ना, स्पाइन, उसके अंदर 7 चक्र है। ज्यादा नाड़ी इंटरसेप्ट हो गई है,
ज्यादा नाड़ी वहां पे है। और मैं बताओ, ये नाड़ी जो है हमारा शरीर, उसके अंदर एनर्जी हमारे पूरे शरीर के अंदर फैलती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्यों सिखा रहा हूँ ये, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके बच्चों के लिए और आज के समय के लिए ध्यान करना क्यों जरूरी है। अभी देखो, ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा सार है, निचोड़ है, क्या है पता है? हम जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और बैठते हैं, एनर्जी ऊपर से आ रही है लेकिन बॉडी में नहीं जा रही है, क्यों पता है? बीच में विचार है और ये विचार जितने ज्यादा है ना उतना एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है। यानी ये विचार क्या कर रहा है, एनर्जी को शरीर में नहीं जाने दे रहे हैं और इस वजह से जो नाड़ी है ना उसके अंदर लाल कलर के, रेड कलर के पैचेस क्रिएट हो रहे हैं जो आगे चल के बड़ी बड़ी बीमारियां लाते हैं। जैसे आंखों में तकलीफ है, ये लाल कलर का पैच है, कानों में प्रॉब्लम है या फिर मेमोरी कम है, थ्रोट में प्रॉब्लम है, थायराइड हुआ है, कंधे दुख रहे हैं, हार्ट के प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, इंसुलिन की कमी है, शुगर है, बीपी है या फिर किडनी फेलियर है या फिर अलग अलग बीमारी। मैं बताऊं आपको एक बहुत बड़ा साइंस में बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा सीक्रेट। जब मैंने ये थर्ड आई के बारे में या फिर रेकी जैसे साइंस में ये सभी नॉलेज लिया था ना, और बाद में मैंने अनुभव लिया कि ये सभी चीजें मैंने खुद अनुभव लिया है, देखी है कि विचार होने से जो एनर्जी का फ्लो है वो कम हो जाए, लेकिन विचार शून्य है ना वो एनर्जी इतनी, हमें एक हायर एनर्जी का अनुभव आता है जिससे हम कोई बीमारी भी है ना उससे बाहर आ सकते हैं। अभी ध्यान से सुनिए, बच्चों के लिए और मम्मी पापा के लिए करना, ध्यान करना क्यों जरूरी है पता है? आज के समय पे विचारों का जो प्रमाण है ना वो काफी बढ़ गया है। हमारे पूर्वज थे ना, यानी दादा परदादा, उनका जो आयु था वो 100 साल था, 120 साल था, 130 साल के वो जीते थे। मगर आज के समय पे लोग 80 साल, 60 साल, 50 साल में मर जाते हैं। ऐसा क्यों पता है? आप मुझे बताओ, जिसके जीवन में जितना ज्यादा टेंशन है, जितना ज्यादा स्ट्रेस है, जितना ज्यादा एंजाइटी है, टेंशन है, उसको उतनी ही ज्यादा बीमारियां है। यस और नो? आज सभी बीमारी कहां से आती है पता है? माइंड से आती है, साइकोलॉजी से आती है। और ये विचार आज बड़े हैं क्यों पता है? दो चीजों से। पहला है टेक्नोलॉजी से, यानी आज काफी सारे टेक्नोलॉजी या फिर काम का लोड कम हुआ है लेकिन मन का लोड बहुत बड़ा है, यानी टेक्नोलॉजी एक चीज है। और दूसरा है कंपटीशन, यानी कंपटीशन ये स्पर्धा बहुत है। और इस कॉम्पिटेटिव जीवन में और इस टेक्नोलॉजी के युग में आपके विचार अगर बड़े हैं तो उसको कंट्रोल करना किसी ने नहीं सिखाया है। और जरूर कहूंगा, आपके बच्चे हैं ना आज के समय पे वो एक चीज बहुत देख रहे हैं, वो क्या है पता है? ये वाला मोबाइल। मोबाइल के अंदर जो कार्टून्स होते हैं ना, गेम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन में विचार लाते हैं। और इस मल्टीप्लीकेशन के विचारों से होता क्या है, बच्चा हाइपर है, सुनता नहीं है, मेमोरी कम है, या फिर बड़े बड़े चश्मे लगे हुए हैं। मतलब ये चश्मे थे क्या हमारे जमाने में या फिर हमारे पूर्वजों के? नहीं, ये बड़ी चीज है। क्या होता है जब बच्चा मोबाइल खेलता है ना, ये मोबाइल क्या करता है, इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके जो कॉस्मिक एनर्जी ना पूरा खींच लेता है। और वो खींचने के बाद बच्चों का माइंड है वो स्टेबल नहीं है। आज बच्चों का दिमाग है वो इम्प्रॉपर बैलेंस है, न्यूरॉन्स के अंदर जो भी एनर्जी चाहिए वो इम्प्रॉपर मिल रही है, और इस वजह से बच्चे और जो जनरेशन गैप है वो बढ़ रहा है। और जरूर कहूंगा, कितने लोगों ने एक मूवी देखा है, चिट्टी वाला पक्षी, रोबोट 2.0, चिट्टी वाला, हाँ चिट्टी ओके, रोबोट 2 देखा है, उसमें भी बताया है ये मोबाइल जो है ना वो पक्षी जो है वो मर रहे है। और उसमें भी दिखाया है वो ब्लू कलर के जो पूरा एनर्जी खींच लेता है अक्षय कुमार और पक्षी बन जाता है, यानी कॉस्मिक एनर्जी, उसमें ओरा रीडिंग, वो सभी चीजें बताई है। यानी ये मोबाइल जो है बच्चों के लिए हानिकारक है। लेकिन अभी क्या है बताए, मैं आपको ये भी बताऊंगा, यूज करना लिमिटेड जरूरी है। मगर ऐसी भी चीज है, जैसे आप मुझे देख रहे हो, हमें जो भी चेंज है, यानी जो मैं कहूँ कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको हम स्वीकार करते हैं क्योंकि वो चीज हमें फायदा भी देती है, नुकसान भी देती है, मगर उससे हम छुटकारा भी नहीं पा सकते क्योंकि अभी वो जरूरी भी, जैसे आप मुझे देख रहे हो तो एक जरूरी है, मगर एक चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है आज से। वो क्या है पता है? आज से आपके बच्चों के लिए आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करनी है। वो क्या है? आपको रोजाना 20 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान से सुनिए, 20 मिनट का ध्यान। उस ध्यान में क्या करना है, आपको देखना है कि जो एनर्जी है ना वो आपके आंखों में जा रही है, कानों में जा रही है, स्टमक में जा रही है, थ्रोट में जा रही है, जैसे चेस्ट में जा रही है, दोनों हाथों में जा रही है और पेट में जा रही है, और पूरा शरीर को देखना है कि ब्लू कलर का होते जा रहा है।
यानी जो बीमारियां है ना वो उसको खत्म कर देता है, आपके अंदर जो नाड़ी के अंदर जो एनर्जी है ना, जो कमी है उसको खत्म कर देता है। और मैं बताऊं, ये एनर्जी जब जितना लोगे, ये ब्लेसिंग्स, ये दुआ जितना लोगे उतने ही ज्यादा आप पावरफुल होंगे। तो कितने लोग आज मुझे वादा करते, प्रॉमिस करते, रोज 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, 20 मिनट का ध्यान करेंगे, से आए कितने लोग हैं जो 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे? वाह, काफी लोग हैं, जरूर कहूंगा। अभी जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी का साइंस, जब मैंने 25 साल की उम्र में जाना था, अपने एज में मैंने अपने हेल्थ को अच्छा रखा, मेरे रिलेशन को अच्छा रखा, मैंने फाइनेंशियल लेवल को अच्छा रखा, क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम्स पता है क्यों आ रहे हैं, रिलेशन के हो या फाइनेंस के प्रॉब्लम हो या फिर हेल्थ के प्रॉब्लम हो, वो है हमारे अंदर इम्प्रॉपर एनर्जी पहुंच रही है। और ये एनर्जी जिस दिन आपने रिसीव किया ना, आप ध्यान नहीं छोड़ सकते। मैं आपको कुछ ऐसा अनुभव देना चाहता हूँ इस कॉस्मिक एनर्जी का। कितने लोग इस कॉस्मिक एनर्जी को देखना चाहते हैं और अनुभव लेना चाहते से आए, कितने लोग हैं जिसको देखना चाहेंगे, अनुभव लेना चाहेंगे? काफी लोग हैं। उसके लिए एक एक्टिविटी करना है, एक चीज करना है। अभी आपको आंखों पे रुमाल या पट्टी बांधनी है, प्लीज। मैं चाहूंगा कि मैं सभी को देख रहा हूं यहाँ पे, आपको आंखों पे रुमाल या पट्टी बांधो प्लीज। यहाँ पे मैं आपको एक 5 मिनट का अनुभव देना चाहूंगा। और मैं बता दूं, यहाँ पे काफी लोग जो रोजाना मेडिटेशन करने वाले हैं, मगर मैं आपको सच में बता दूं, जिस इंसान ने कॉस्मिक एनर्जी देखा ना, जिस इंसान ने कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव लिया ना, वो कभी ध्यान नहीं छोड़ सकता। जैसे हमारे जो कोर्स है 30 दिनों का, हम बच्चों को कहते हैं बेटा 1 महीना खत्म हो जाता है, कहते हैं हम बेटा तुझे इतने चॉकलेट मिलते हैं, इतने चॉकलेट, तुझे मेडिटेशन छोड़ देना है। वो बोलता क्या पता बच्चा, सर वो चॉकलेट आप रखो, मुझे मेडिटेशन करना है। यानी कुछ ऐसा अनुभव हम पाते हैं उस एनर्जी को रिसीव करके। जरूर कहूंगा आपके बच्चों को और आपके लिए 20 मिनट का ध्यान कंपल्सरी करना है। तो उसके लिए आंखों पे रुमाल या पट्टी बांधो। आंखों पे रुमाल पट्टी बांधने का साइंस क्या है मैं बता दूं आपको। आंखों पे रुमाल है तो हमारा जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, उसके अंदर जो पावर है यानी विजुअलाइजेशन की, उसके हार्मोन को सीक्रेट करता है यानी बढ़ाता है। आंखों पे रुमाल नहीं है, जब उजाला होगा, रोशनी आएगी, तो जो सिक्रीशन है वो कम करेगा और जो रियल अनुभव है वो नहीं आएगा। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आंखों पे रुमाल पट्टी बांधो। वेदिका शर्मा दीदी मुझे मत देखो, पट्टी बांधो। चलो वेदिका दीदी पट्टी बांधो प्लीज, सभी लोग पट्टी बांधेंगे, ठीक है, वेरी गुड। बच्चे भी बांधो, मम्मी पापा आप भी बांधो, ग्रेट। रुमाल बांधो, पट्टी बांधो, सभी बच्चे बड़े बांधेंगे। वीडियोस को ऑन रखो प्लीज, वीडियो ऑन रखो प्लीज। हम 5 मिनट का जो अनुभव लेंगे ना, बहुत ही सुंदर। वीवो 1951 बेटा, पट्टी बांधो आंखों पे ऊपर, पट्टी रुमाल बांधो प्लीज। मैं चाहूंगा कि जो अनुभव आप लेने वाले हो, मुझे पता है ये फ्री प्रोग्राम है, अपने इसको कोई चार्ज नहीं दिया है, लेकिन आपको बुलाने के लिए मेरे काफी पैसे खर्च हुए हैं माय फ्रेंड्स। मैं आपको बोलू, ये प्रोग्राम कंडक्ट करने के बाद मैं चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, चेंज आए। और कोई इंसान सच में बदलाव चाहता है ना, उसने बस एक्शन लेनी है। एक्शन क्या लेनी है? जो चीजें आपके जीवन में फायदा देगी उसके ऊपर एक्शन लेनी है। यानी मेडिटेशन करने के बाद जो एनर्जी का अनुभव आएगा ना, इतना ब्यूटीफुल होगा, ऐसा लगेगा कि हम बाहर ही ना आए। मगर वो अनुभव कब आएगा? एक्शन लेने के बाद। पट्टी बांधोगे तभी आएगा, पट्टी नहीं बांधोगे तो नहीं आएगा। चलो सीधा बैठो, स्ट्रेट। काफी लोगों ने बांधी है, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं बांधी प्लीज कह रहा हो, पट्टी बांधो। एक ही बार अनुभव लो, एक ही बार, 5 मिनट का रहेगा। जिंदगी के अंदर ऐसा अनुभव है माय फ्रेंड्स, जिसने इसको देखा, अनुभव लिया, कभी मेडिटेशन नहीं छोड़ सकता। और पता है ये जो ध्यान है ना, थर्ड आई का है, तीसरी आंख का है, तो जरूर बांधो, क्योंकि हम इससे थर्ड एक्टिवेशन खोलने वाले हैं। आंखें बंद, लंबी सांस लो, छोड़ दो, फिर से लंबी सांस लो, छोड़ दो, वेरी गुड। मैं चाहूंगा कि आपकी सांसों को देखो, ब्लू कलर की है, नीले कलर की सांसों को देखना, ब्लू सांसें, ब्लू ब्रीदिंग को देखो। आंखें बंद, कोई आंखें नहीं खोलेगा प्लीज। मैं 1 से लेके 5 काउंट करूंगा, 5 से आप डीप जाओगे, बी रेडी, 1, यू आर डीप, वेरी डीप, 2, ब्रीदिंग को देखो, मैंने आपको सिखाया है, विचार ज्यादा है कॉस्मिक एनर्जी नहीं आएगी। बच्चों सीधा बैठो, कमर सीधी रखो, गर्दन सीधी, एक
जो पोस्चर है आपका बॉडी का वो सीधा चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, ऐसे झुकना नहीं है। आगे झुकोगे तो एनर्जी नहीं आएगी प्रॉपर। सीधा हाथों को क्रॉस करो, हाथों को दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपका दो, क्रॉस रखो पैर को क्रॉस। कोई सो के नहीं करेगा, बैठ के करेंगे। वेरी गुड, थ्री, यू आर वेरी डीप। सांसों को देखो किस तरह से सांसें ब्लू कलर की दिख रही है, अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। फोर, यू आर वेरी डीप, वेरी डीप। फाइव, वेरी नाइस। आप देख सकते हो आपकी सांसें छोटी हो रही है और छोटी हो रही है और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी, और दोनों आंखों के बीच में देख सकते हो कि जो सांसें हैं नाक में खेल रही है, नाक में खेल रही है। ब्लू कलर की सांसें उससे भी छोटी हो रही है, उससे भी छोटी 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 छोटी, और आपकी सांसें जो है इतनी छोटी हो गई है कि दोनों आंखों के बीच में एक प्रकाश का रूप ले रही है, एक गोल्डन कलर की लाइट, एक ऑरेंज कलर की लाइट दोनों आंखों के बीच में दिख रही है। वेरी पावरफुल, वेरी ब्राइट कलर की वो लाइट दिख रही है। एक खिंचाव महसूस हो रहा है, एक ऐसा लग रहा है कोई तो भी खींच रहा है, हमारी दोनों आंखों के बीच में ऐसा खिंचाव महसूस हो रहा है। तीन बार जोर से बोलना है, तीन बार जोर से बोलो, जोर से बोलना है, थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई। तीन बार जोर से बोलो, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र। मैं चाहूंगा कि आंखें बंद रखते हुए आसमान से नीले कलर का प्रकाश देखो, ब्लू कलर की लाइट देखो जिसके अंदर स्टार है, जिसके अंदर मून के पीसेस है, और वो नीले कलर का प्रकाश आपके सिर में गुजर रहा है। ब्लू कलर की लाइट देखो आपके मस्तिष्क में जा रही है, अभी देखो आंखों में जा रही है, आंखों में जा रही है, नाक में जा रही है, देखो कान में जा रही है, आपके मुंह में जा रही है, नाक में जा रही है, आपके गर्दन में जा रही है, और जो लाल कलर के पैचेस है उसको वो ब्लू बना रही है, रेड कलर के पैचेस उसको ब्लू बना रही है। चेस्ट में जा रही है, चेस्ट में दोनों हाथों से वो राइट हैंड में जा रही है, लेफ्ट हैंड में जा रही है उंगली तक, और आप देखो पेट में जा रही है, पेट से वो आपके दोनों पैरों में जा रही है, लेफ्ट लेग में, राइट लेग में। पूरा शरीर देखो ब्लू कलर का, पूरा शरीर नीले कलर का, पूरा शरीर ब्लू कलर का। इस एनर्जी को हम बढ़ाएंगे, दोनों तरफ करो जोर से, दोनों तरफ करो जोर से, और जोर से रफ करो दोनों हाथों को, और जोर से, वेरी गुड, और जोर से, वेरी नाइस। दोनों हाथों को आसमान में लेके जाओ, आसमान में लेके जाओ। दोनों हाथों को अलग अलग करो, सेपरेट 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 करो, और दोनों हाथों के बीच में देखो, सेंटर में, दोनों हाथों के सेंटर में देखो कि जो एनर्जी उसका क्वांटिटी बहुत बढ़ गया है। हाथों के सेंटर में एक एक चक्र घूम रहा है तेजी से, हाथों के सेंटर में देखो एक एक चक्र घूम रहे हैं, वेरी गुड। अभी क्या करो, इस एनर्जी को फील करते हुए आपके हाथों को आपके आंखों के ऊपर रख दो, यानी दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखने हैं, आंखों के ऊपर रख दो दोनों हाथ, आंखों के ऊपर रख दो दोनों हाथ, और अपना बॉडी देखो ब्लू कलर का है। तीन बार जोर से बोलना है, तीन बार जोर से बोलो, ब्लू लाइट, ब्लू लाइट, ब्लू लाइट। तीन बार जोर से बोलो, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। आंखें बंद रखते हुए आंखों के ऊपर हाथ ही रखो, खोलना नहीं है, हाथ रखो और देखो आपको ब्लू कलर का शरीर दिख रहा है। इतना अच्छा, इतना बेहतरीन लग रहा है, जो आसमान से एनर्जी आ रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जी रिसीव करते रही है, रिसीव करते रही है। ऐसा फील हो रहा है कि वो जो एनर्जी है आपके पूरे ब्रेन से पूरे शरीर के कन कन में जा रही है, नाड़ी का शरीर दिख रहा है। देखो आपकी नाड़ी का शरीर दिख रहा है, तीन बार बोलो, नाड़ी का शरीर, नाड़ी का शरीर, नाड़ी का शरीर। व्हाइट कलर के एनर्जी ट्यूब दिख रहे हैं, व्हाइट कलर के, जो पूरे शरीर में फैले हुए हैं, जहां पे भी इंटरसेप्ट हो रहे हैं वहां पे चक्रास दिख रहे हैं। दोनों आंखों के बीच में एक कैंडल की फ्लेम देखो, दोनों आंखों के बीच में एक कैंडल की फ्लेम देखो, जहां बड़े लोग कर रहे हैं यहाँ पे देखो कि आपके हाथ दुखते होंगे, पैर दुखते होंगे, वहां पे रेड रेड पैच है। वो जो एनर्जी है ना उसको वो ब्लू बना रही है, ब्लू 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 दिख रही है, ब्लू बना रही है। जिनको नाड़ी का शरीर दिख रहा है हाथ ऊपर करो, ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर के नाड़ियां दिख रही है। रेज द हैंड, आंखें बंद, वेरी गुड। मैं एक से लेके पांच काउंट करूंगा, आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना अच्छा लगेगा, यू विल फील लाइक अ बैटरी रिचार्ज। बी रेडी, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, जस्ट ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। वाओ, मैं चाहूंगा कि स्लोली स्लोली आंखें ओपन करो, एंड आपको बताना है मुझे हाउ यू आर फीलिंग नाउ, कैसे लगा आपको, किसको बहुत ही फ्रेश फील हुआ, हाथ ऊपर करो, ऐसा लगा कि बैटरी को पूरा रिचार्ज कर दिया। ग्रेट,
कितने ऐसे लोग हैं या बड़े भी हो सकते हैं जिनके सिर में दर्द होगा, हाथ में, अभी वो दर्द गायब है? कितने हैं ऐसे, वो दर्द या फिर वो कोई पेन था वो गायब है? काफी सारे बच्चे हैं, बड़े भी हाथ ऊपर कर रहे। वेरी गुड माय फ्रेंड्स, रोजाना 20 मिनट का यानी वो लोगे तो आप देखोगे कि आपके शरीर में जो बीमारियां है ना वो ठीक हो जाएगी, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है नकारात्मक वो ठीक हो जाएंगे। और मैं बताऊं, कितने मम्मी पापा बच्चों के साथ बैठे हैं, हाथ ऊपर करिए, मम्मी पापा बच्चों के साथ बैठे हैं, कितने पेरेंट चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल छोड़े, हाथ ऊपर करो मोबाइल छोड़े। मैं बताऊं आपको एक सीक्रेट बहुत ही सुंदर सा, वो क्या है पता है? अभी बच्चों को क्या करना है, अभी क्या अभी करो, अभी क्या अभी बच्चों के हाथ में मोबाइल दो, मोबाइल दो, ऐसे हाथ में मोबाइल पकड़े बच्चों, और बच्चों को बोलो हाथ में मोबाइल लो। बच्चे हाथ में मोबाइल लेंगे, सभी सभी बच्चे हाथ में मोबाइल लेंगे, अभी हाथ में मोबाइल लो। अभी बच्चों का एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो क्या पता है? बच्चों के विचार शून्य है, और जब शून्य विचार है ना, जिसे मैं कहूं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, उनकी जो क्लैरिटी है इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी। ओके, अभी क्या करना है बच्चों, आंखें बंद करो, मोबाइल को ऐसे हाथ में लो, और आप मुझे बताओ बच्चों मोबाइल और हाथ के बीच में आपको क्या दिख रहा है? आपका पूरा ध्यान मोबाइल और हाथ के ऊपर रखो, आपने जो हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है उसके ऊपर रखो, और देखो आपकी जो हाथों की जो एनर्जी है ना, ब्लू कलर की जो आपने देखा, जो अभी कलर किया, वो मोबाइल देखो खींच रहा है क्या? वो पूरा जो एनर्जी ना, वो पूरे मोबाइल के अंदर जा रही है, और आपके हाथ में दर्द हो रहा है। आप उस दर्द को फील करो, देखो हाथ ऐसा पेन कर रहा है, दर्द हो रहा है। किन बच्चों का हाथ दर्द हो रहा है, हाथ ऊपर करो, बहुत पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। वेरी गुड। और किन बच्चों को ऐसा दिख रहा है कि जो मोबाइल है ना वो पूरी एनर्जी ले रहा है, हाथ ऊपर करो, एनर्जी लेते हुए दिख रहा है। ओके, और माय फ्रेंड्स, ये जो मैं बताऊं ये सच है कि जो मोबाइल है ना वो बच्चों की ब्रेन के जो पावर्स है, न्यूरॉन्स है, उसको इनएक्टिव कर रहा है, और जो सभी शक्ति है जो नींद में मिलती है वो पूरी की पूरी खींच ले रहा है। जरूर कहूंगा छोड़ना है मोबाइल आज। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा बाद में, बच्चों का एक रियल अनुभव बताऊंगा कि बच्चों कैसे मोबाइल छोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो थर्ड आई का अनुभव आपने लिया, जो अनुभव मैं चाहता हूं कि रोज लेना है, तो कितने लोग आज मुझे प्रॉमिस करेंगे कि 20 मिनट का ऐसा रोजाना अनुभव लेंगे? हाथ ऊपर करो 20 मिनट का। वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस, काफी लोग हैं। और मम्मी पापा बच्चों को कहो बेटा मेडिटेशन करो, ऐसा मत बोलो, आप खुद करो, क्योंकि आपकी भी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अभी फिट होने चाहिए। तो मम्मी पापा ये मत कहो बेटा मेडिटेशन कर, वो नहीं करेंगे, आप खुद करो, वो बाजू में बैठेंगे। जैसे मेरी बेटी है देवांशी है उसका नाम, 5 साल की है, मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूँ, वो बाजू में बैठ जाती है। यानी बच्चों को जो बोलोगे बच्चे नहीं करेंगे, आप खुद करो बच्चे बरोबर करेंगे। तो इसी के रेफरेंस में आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, थर्ड आई खोलने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। दिव्य चक्षु हमारी आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है, ये परलोक की वास्तविकता देखने, महसूस करने और सुनने का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से ज्यादा शक्ति बहने लगती है, ज्यादा शक्ति दिव्य चक्षु को गतिशील करती है। ध्यान करने के लिए ये अनोखा अनुभव है। दिव्य चक्षु जब गतिशील होने लगता है, तब हमारे मस्तिष्क यानी माथे पर खिंचाव और खुजली होने लगती है। अपने बच्चों को यहाँ पे खिंचाव खुजली होने लग रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ तो भी खींच रहा था, दर्द हो रहा था दोनों आंखों के बीच में, हाथ ऊपर करो। ऐसे कितने लोगों को ज्योत भी दिखा था, बच्चों को देखो, बच्चे के देखो हाथ कैसे ऊपर है, क्योंकि उनके विचार कम है, उनका बॉडी फ्लेक्सिबल है। जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमारे प्राणमय शरीर को काफी दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारे दिव्य चक्षु की सिद्धि हो जाती है। जब आप एनर्जी सर्किट में डालते हो, कॉस्मिक एनर्जी, जब आपकी थर्ड आई खुल जाती है तो आप आंखों से भी क्लियर दिखाई देता है। हमें ये स्तर और दूसरे स्तर साफ दिखाई देने लगते हैं। दिव्य चक्षु की संपूर्णता से हमें बहुत सी चीजें आंखों से ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। इससे हमारी हरकतें बदलेंगी, हमारे विश्वास बदलेंगे, हमारी समझ बदलेगी।
थर्ड आई खोलने के बाद हमारे विश्वास बदलेंगे, हरकतें बदलेगी और हमारा एक पॉजिटिव ओरा रहेगा, सकारात्मक ओरा, यानी ब्लू कलर के वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे जो आपको सकारात्मक परिस्थिति सकारात्मक बनाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं जो हमें थर्ड एक्टिवेशन से मिलती है। अभी एक चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम लाया, और ये प्रोग्राम हमारा 30 डेज का है जो थर्ड एक्टिवेशन हम करवाते हैं। और मैं बताऊं, ये प्रोसेस करने के लिए, थर्ड एक्टिवेशन करने के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है, यानी लेवल से अलग अलग लेवल तक है, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं हमारे जो एडवांस कोर्स के बारे में या एडवांस लेवल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, ये जो कंसेप्ट है कॉस्मिक एनर्जी का, या फिर ये जो कंसेप्ट है हायर एनर्जी का, जिसको मैं बोलूं ये ऊर्जा, जब हमारे शरीर में आती है ना ब्लू कलर की लाइट, तो हमारे अंदर कुछ चेंज आते हैं, यानी बदलाव आते हैं। तो ये जो कोर्स है हमारा बच्चों के लिए, स्पेशली बड़ों के लिए भी है, लेकिन बच्चे के लिए ज्यादातर काम आता है। कैसे होता है ये, इसके अंदर हम 30 दिनों तक बच्चों को ट्रेन करते हैं। इसके अंदर जो लेवल्स होती है वो लेवल से हम बच्चों को आगे तक लेके जाते हैं। पहली जो लेवल है, बच्चे 7 दिन के अंदर, 7 डेज में आंखें बंद करके कार्ड रिकॉग्निशन करते हैं। आंखें बंद करके उनको क्लियर दिखता है, विचार शून्य है, अल्फा है, यानी आंखें बंद करके वो कार्ड रिकॉग्नाइज करते हैं, कलर रिकॉग्नाइज करते हैं, थोड़ा बहुत रीडिंग आ जाता है। बाद में आंखें बंद करने के बाद उनको हम पढ़ने के लिए बोलते हैं कि आप एक पेज रीड करो डेली बेसिस पे, ऐसे 3 से 4 दिन करवाते हैं। नेक्स्ट लेवल कुछ ऐसा होता है कि जहां पे 15 दिन के बाद बच्चा एक पैराग्राफ पढ़ता है, कुछ इस तरह से एक पैराग्राफ उसने पढ़ लिया, और ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद किताब को ऐसे बंद किया और बाजू में रख दिया। अभी वो पैराग्राफ वो उल्टा भी पढ़ सकता है, यानी मैं स्कूल में जा रहा हूं, तो वो क्या बोलेगा, हु रहा स्कूल में जा, ऐसे उल्टा पड़ेगा, यानी रिवर्स पड़ेगा, यानी उसको इमेजिनेशन होगा, कल्पना होगी। आंखें बंद करके वो रीड कर रहा है तो इमेजिनेशन का यूज कर रहा है, ये पढ़ रहा है तो हटा भी दीजिए तभी भी उसको इमेजिन हो रहा है, यानी उसका जो माइंड है एक इमेजिनेशन, फोटोग्राफिक मेमोरी स्ट्रांग होगी। और लास्ट में जो लेवल है मेरे पे, इस लेवल तक मैं चाहता हूँ बच्चे जाए, और इस लेवल तक हम उनको लेके जाते, वो है बच्चे आंखें बंद करेंगे, पट्टी बांधेंगे, उनके हाथ में एक किताब रहेगी, आप और स्मेल करेंगे, ऐसे स्मेल करने के बाद बच्चों के हाथ में आप बुक दोगे, और बच्चा जो स्मेल करेगा 3 से लेकर 5 मिनट तक स्मेल करने के बाद उसका हाथ में बुक पकड़ना है, आपने लेना है, बोलना है बेटा 20 पेज पे तुझे क्या दिख रहा है, 20 पेज में बुक में 20 पेज पे क्या है। बच्चा आंखें बंद करेगा, बोलेगा 20 20 20, मम्मी मुझे एक टाइगर दिख रहा है, ओके बेटा वेरी गुड, मम्मी वो जो टाइगर है ना पानी पी रहा है, ओके बेटा वेरी गुड, उसके बाजू में क्या लिखा बोल, जंगल में एक शेर अपने साथियों के साथ ऐसा दिख रहा है, ओके वो पढ़ सकेगा। बाद में इतना हम प्रैक्टिस करवाते कि वो पूरा का पूरा पेज पढ़े, इसे कहते हैं स्कैनिंग, इसे कहते हैं आंखें बंद करके रीड करके याद रखना। जरूर कहूंगा ऐसे बच्चे में चाहता हूं क्रिएट करना जो एक बार पढ़ के याद रखे, और ये इतना जबरदस्त साइंस आया है, मैं इसकी क्या तारीफ करूं। मैं बताऊं एक चीज मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, जरूर से ध्यान से देखिए, आज ये चीजें बड़े लेवल पे सिखाए रहे हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये चीजें सिखा रहे हैं, जैसे स्वामी बाबा रामदेव बाबा क्या कहते हैं इसके बारे में ध्यान से सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं, और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए, इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की दो आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग, कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अजय चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। आंखें बंद करके बच्चा एक बार पढ़ता है याद हो जाता है, ये सभी लेवल्स हम एक महीने के प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो कितने बच्चे हैं जो इस चीज को सीखना चाहते हैं घर बैठे, से आए सभी लेवल्स को करना चाहते हैं, वेरी गुड। और मगर
एक चीज है, एक बात मैं कह रहा हूं, ये नॉलेज, ये चीज है, मैं पॉजिटिव लोगों को देना चाहूंगा, एक सकारात्मक बच्चों को देना चाहूंगा। क्यों पता है? क्योंकि पॉजिटिव लोग मेडिटेशन वो जानते हैं, ध्यान के अंदर ये थर्ड आई के बारे में जानते हैं, उसका महत्व जानते हैं, उसका मूल्य जानते हैं। मुझे पता है कि ये सभी करना चाहते हैं, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है प्रोग्राम, मैं सभी को नहीं सिखाना चाहूंगा। क्यों पता है? क्योंकि इसके पीछे का जो साइंस है वो काफी डीप है। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को बोलता है, ये मेरे पास स्टोन है, गुरु कहते ये स्टोन है, और ये स्टोन की क्या वैल्यू है मुझे तुझे जानना है। वो शिष्य उस स्टोन को लेके जाता है एक सब्जी वाले के पास, सब्जी मंडी में दिखाता है, ये सब्जी वाले मेरे पास स्टोन है, इसकी क्या कीमत है? वो सब्जी वाला देखता हाथ में लेता है, बोलता है अरे इसका वजन 1 किलो लग रहा है मुझे, 1 किलो, मेरे पास वेइंग बैलेंस नहीं है, वेट का ये नहीं है, मुझे दे चाहिए 1 किलो सब्जी दूंगा मैं, 1 किलो सब्जी। वो बोलता नहीं मुझे नहीं बेचना था, मुझे जानना था। वो स्टोन लेके आगे जाता है एक सेठ जी वाले के पास, उनको दिखाता है ये स्टोन है इसकी क्या वैल्यू। सेठ जी वाले बोलता है अरे अच्छा है, डेकोरेशन के लिए मैं तुझे 1000 रुपए देता हूँ, 1000। बोलता नहीं मुझे बेचना नहीं था। उसी स्टोन को आगे लेके जाता है एक ज्वेलरी की शॉप में, दिखाता है ये स्टोन है इसकी क्या वैल्यू है। वो ज्वेलरी वाले बोलते हैं, चेक करते बोलते अरे ये हमारी काम की चीज है, ये हमें चाहिए, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ, 1 लाख। बोलता है नहीं मुझे जानना था बस, बेचना नहीं है। वो आगे जाता है एक डायमंड वाले के पास, दिखाते ये स्टोन इसकी क्या वैल्यू है। डायमंड वाले चेक करते हैं, बोलते ये तुझे मिला कहाँ पे। कपड़ा लेते हैं लाल कलर का, उसके ऊपर रखते हैं, बोलते ये अनमोल चीज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्योर डायमंड है, हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देते हैं, 1 करोड़। वो बोलता है नहीं मुझे बेचना नहीं था, जानना था। वो स्टोन लेके अपने गुरु के पास आता है, कहता है किसी ने कहा 1 किलो सब्जी, किसी ने कहा 1000, किसी ने कहा 1 लाख, किसी ने कहा ये अनमोल है। गुरु उसे बताते हैं जिसके पास ज्ञान था ना, नॉलेज था, उसको पता है डायमंड की वैल्यू क्या है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कुछ काम का नहीं था उसके लिए। यानी माय फ्रेंड्स, थर्ड आई एक्टिवेशन ये पॉजिटिव लोगों के लिए है, सकारात्मक लोगों के लिए है, जिनको पता है आज्ञा चक्र, जिनको पता है कॉस्मिक एनर्जी मेडिटेशन, उनके लिए अनमोल रहेगा। लेकिन मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इस कोर्स को लेना चाहोगे, ये बच्चों को सिखाना चाहोगे बस इसके लिए कि मेरा बच्चा आंखें बंद करके देखे, किताबें पढ़े, रीडिंग करे, मैं चाहता हूं 1 किलो सब्जी है मेरे लिए, वो 1 किलो सब्जी कुछ काम का नहीं। आंखें है ना, क्यों पढ़ना चाहते हो? बंद आंखों से 1 किलो सब्जी, लेकिन कुछ अलग पर्पज के लिए पढ़ना है। आंखें बंद करके जब बच्चा पढ़ेगा ना, वो पूरी किताब याद रख पाएगा, यानी उसका पढ़ाई में 1 ही नंबर आ जाता है, स्टडीज के अंदर 1 नंबर। जैसे कितने लोगों ने सुना है स्वामी विवेकानंद किताबें पेज नंबर के साथ याद रखते थे, पेज नंबर के साथ वो राजयोग करते थे, यानी ध्यान मेडिटेशन में हम जब डीपली जाते हैं एक बार पढ़ के याद रख सकते हैं। ये साइंस थर्ड आई का, और जरूर कहूंगा इसके लिए करना चाहते तो 1000 रुपए कीमत है, मेरे लिए वो 1000 होगा। लेकिन आप इसके लिए चाहते हो कि मेरा बच्चा पढ़ाई में हो जाए ऊंचा, और वो जिंदगी में भी एक बड़े पोस्ट पे जाए, एक बड़ा सफल हो जाए। जैसे एक मैडम आए, कहा कि मैं मेरी बेटी को करना चाहती हूँ ये, मेरी बच्ची को मैं कलेक्टर बनाना चाहूंगी। वो मैम ने कहा, मैंने कहा ठीक है मैम ये कोर्स कीजिए। जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है वो कहते हैं सर कलेक्टर बहुत छोटा है, मैं अपने बच्ची को साइंटिस्ट बनाना चाहूंगी, क्योंकि उसके साथ माइंड क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया है। जरूर कहूंगा एक पोस्ट पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो कीमत है 1 लाख, 1 लाख रुपए। लेकिन मेरे लिए अनमोल का भी बताए, मेरे लिए वो डायमंड का भी बताए, मेरे लिए वो 1 करोड़ से भी ज्यादा का भी बताए। जब आंखें बंद करके वो अपने आप को जान रहा है मैं कौन हूं, अपने सभी विकारों को निकाल के एक महान पर्पस, अपनी जिंदगी का लक्ष्य, और वो लक्ष्य साकार करने के लिए अपनी जिंदगी का वो थर्ड आई का मदद करके अपनी जिंदगी का लक्ष्य साकार करके लाखों की करोड़ों की दुनिया के अंदर जो बदलाव क्रिएट कर रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी बदलाव ला रहा है, एक सकारात्मक बदलाव, और तब जाके अपने जीवन में बड़े पोस्ट पे है, बड़े लेवल पे है, लोग उसे आइडियल मानते हैं, तब मैं कहूंगा वो सफल है, वो अनमोल है, और तभी जाके इसका फायदा लेंगे। तो मैं जरूर कहूंगा ये चीजें जो है, मैं ऐसे डायमंड जो है 10 लाख बनाना चाहता हूं, ऐसे बच्चे बनाना चाहता हूं जिनके लाइफ में हमेशा खुशियां आए, समृद्ध हो, और वो कभी भी गलत आदतें न जाए, एक हायर एनर्जी के साथ उनका जीवन में कनेक्शन बिठाओ, जिससे उनकी लाइफ एक स्पिरिचुअल एक प्रॉपरली बने। और इसके लिए मैं आपको इन्विटेशन देना चाहूंगा, ये कोर्स मैं चाहूंगा कि 10 लाख बच्चों को मुझे सिखाना है। तो मुझे पता है कि आप भी एक्साइटेड हो ये सीखने के लिए। मैं वो कोर्स के बारे में जानने चाहता हूँ, सभी चीजें मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझे बताना है, अभी तक हमने जो सीखा है, आने वाले 10 मिनट मैं चाहूंगा आपको, खाना लेट हुआ तो चलेगा,
आज आपको थोड़ा सा काम है तो उसको थोड़ा सा साइड में रखिए, बच्चों की जिंदगी के लिए, उनका लाइफ के लिए। अभी जो 10 मिनट में बताऊंगा ना, लाइफ बदलने वाला है बच्चों का, और आपको अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूं, और आपके को ये प्रोग्राम इतना अफोर्डेबल है कि सभी बच्चे करने वाले। लेकिन कितने लोगों को ये सेशन कैसा लगा तो मुझे चैट में बताना प्लीज। हाउ वाज दिस सेशन, चैट में बताइए प्लीज, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा आपको ये सेशन कैसा लगा। ओके, धीर ना मैम बोल रहे हैं, अमेजिंग, थैंक यू मैम। ओके, वेरी गुड, सोहन बोल रहे हैं, ओके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर, ओके फैंटास्टिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बताऊं, जब से मैंने ये चीजें सिखाना शुरू किया था और जब से मेरी लाइफ को मैंने इसके अंदर पूरा डाल दिया, माई फ्रेंड्स पूरा जिंदगी बदल गया। एक अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा, मेरा मिशन है 10 लाख बच्चों को सिखाना। एक मैम है जिन्होंने ये कोर्स किया और वो फॉरेन कंट्री से, आज हमारे यानी बाहर कंट्री से भी काफी लोग हैं जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, और जरूर कहूंगा ये एक आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसके अंदर आप जैसे मैं सिखाता हूँ वैसे लेवल पे आप भी सिखा सकते हो, जिनके बच्चे नहीं है और जो इस चीज को करना चाहते हैं और सिखाना भी चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे रुकी है, क्योंकि मैं आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी देना चाहूंगा आज के समय पे। कितने को लगता है ये चीजें जो है ना स्टडीज में, पढ़ाई में, स्कूल्स में चाहिए थी, स्कूल्स के अंदर चाहिए ऐसी चीजें, ध्यान है या कॉस्मिक एनर्जी है या फिर मेडिटेशन है, स्कूल में चाहिए थी। ओके, और पता है आज ये काफी स्कूल्स में नहीं सिखाया जा रहा है, और आज शिक्षक की जरूरत है, एक पॉजिटिव सकारात्मक लोगों की जरूरत है ये चीजें सिखाने के लिए। जरूर कहूंगा, एक हमारे स्टूडेंट है बांग्लादेश से, हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं, यस बांग्लादेश से है, सिटी मैं हूँ बांग्लादेश से, और यहाँ पर एक सिटी है सावा ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कॉन्टेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है, ये करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी मोबिन को दिखाई देने लगा? विद इन वन वीक यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स, देन रिकॉग्नाइज द अल्फाबेट्स एबीसी। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है, पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था, इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर, अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, इनका इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जरूर देखिए, उन्होंने इतने सारे अनुभव बताए मोबिन के बारे में, कोर्स का ये चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मेमोरी बहुत बढ़ी है, रोज ध्यान कर रहा है। जरूर कहूंगा ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा बच्चों के ओवरऑल और हर एक डेवलपमेंट के लिए। कोर्स क्या है बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, 30 डेज का ये प्रोग्राम रहेगा, 30 दिनों का, बच्चों को 30 दिन हम सिखाने वाले हैं, आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं। मैं बताऊं 30 डेज के बाद भी हम आपके साथ रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए रहने वाले हैं। ये प्रोग्राम 6 से लेकर 15 साल के बच्चों को है, ध्यान से सुनिए, 6 से लेकर 15 साल के बच्चे हैं तो आप इस कोर्स को करने वाले हो। जो बच्चे 15 के ऊपर है वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपको आंखें बंद करके दिख जाएगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि 15 साल की एज है उनका मैं गारंटी लूंगा कि अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो आपने जितने भी मुझे अमाउंट पे किया है मैं रिटर्न करूंगा। इसका छोटा सा एक अमाउंट भी है, बताऊं 6 से 15 ही क्यों, क्योंकि उस समय पे हमारा माइंड एक अल्फा में रहता है, विचार शून्य होते हैं, तो उनको सिखाना, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना काफी ईजी हो जाता है। लेकिन जो आगे है, जो इसे 21 31 वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए करियर बहुत बड़ा ऑप्शन है, करियर कर सकते हो जैसे मैं सिखा रहा हूं। फ्रेंड्स ये कोर्स रहेगा वीडियो के फॉर्म में, डेली 1 घंटे का वीडियो, 15 मिनट का मेडिटेशन वीडियो यानी रिकॉर्डेड है, आप अपने टाइम के मुताबिक देखोगे, इसका टाइम का कोई बंधन नहीं है। 15 मिनट का ध्यान मॉर्निंग के समय पे रहेगा, बच्चा जब स्नान करता है, ब्रश करता है, उसके बाद फ्रेश होके वो ध्यान करेगा। ये ध्यान ऐसा नहीं कि सिंपली उसको बैठना है, नहीं, इसके अंदर म्यूजिक होगा, ब्रीदिंग प्रोसेस होंगे, जंपिंग होगा, काफी यानी इंटर कनेक्टेड करता है वो ब्रेन से, और काफी सारे बॉडी के एक्सरसाइज रहेंगे ध्यान के अंदर, ये बहुत मजा आता है बच्चों को करते समय। ये वीडियो लाइफ टाइम के लिए है, इसका आपको हमेशा आपको ये मिलेंगे। ये वीडियो कोर्स जो है मनी बैक गारंटेड है, यानी अगर 30 दिनों का एक्टिवेशन नहीं हुआ मैं पैसे लौटा दूंगा आपके, यानी कुछ अमाउंट भी लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि रिस्क ना रहे। रिस्क यानी सर नहीं हुआ तो, बच्चे ने नहीं किया तो, वो सभी रिस्क में लेता हूं,
क्योंकि मुझे पता है आपके बच्चे इसको करेंगे और घर बैठे सीखेंगे और सभी के रिजल्ट हमने लाए हैं। ये प्रोग्राम जो है मेरे पिछले 7 सालों का अनुभव, इसके अंदर हम म्यूजिक थेरेपी सीखेंगे जिससे बच्चों के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, ब्रेन जिम रहेगा, ब्रेन डांस रहेगा जिससे दोनों ब्रेन बैलेंस होंगे। ये वीडियो कोर्स जो है उसके अंदर एक्टिव प्रेशर पॉइंट्स हमारे 7 चक्रों को बैलेंस रखने के लिए रहते हैं, आई एक्सरसाइज एंड त्राटक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए होते हैं, और मेडिटेशन होंगे गाइडेड जो कल्पना शक्ति को हम बढ़ाएंगे, बच्चों की IQ बढ़ाने के लिए कुछ गेम्स रहेंगे, कुछ सवाल रहेंगे। तो कितने लोग जो है इस वीडियो को देखना भी चाहते हैं, किस लेवल के वीडियोस हैं, यानी आप अगर ये कोर्स करोगे ना तो ये वीडियो देखने पड़ेंगे। और काफी पेरेंट्स कहते हैं सर वीडियो कैसे है, हमें दिखाइए ना कैसे रहते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना चाहूंगा कि ये हमने वीडियो बनाए हैं, 30 आवर्स का सेशन है, 30 दिनों तक चलता है, डेली 1-1 घंटा ऐसे 30 वीडियो यानी 30 आवर्स के वीडियो है जो आपको मिलने वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो है डे 1 का, मैं आपको छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूं, सॉरी उसका। प्लीज इसको ध्यान से देखिए, अगर आपने आज इसको लिया कोर्स को, कल आपको ये वीडियो देखना होगा। हथौड़े से उसको मारता है, होता है जैसे आगे जाता है मत मारो मुझे डर, पापा आपकी मूर्ति बनाना चाहते बच्चे। हाथ ऊपर करो, वाह आज आप देखोगे आपको ब्लाइंड फोल्ड दिखाई देने वाला है, चीज है हम यहाँ तो हम तो इस प्रकार ये आपको करना कुछ नहीं है, बच्चों को बिठा देना है और बोलना है कि बेटा तू देख और कर, यानी इतना सिंपल ये कंसेप्ट हमने बनाया है कि बच्चे बहुत आसानी से, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा बेटा तू कर देख, वो बच्चे खुद आके करेंगे, मम्मी मुझे करना है मुझे सीखना है, वो जो बहुत अच्छा लग रहा है, यानी बच्चों की साइकोलॉजी के अनुसार बनाया है ये कोर्स। मैं बताऊं ये कोर्स के करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, वो है डिफेंस, आपको कुछ चीजें है जैसे है ये करते समय आपको टीवी पे देख सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल पे आप इसको एंजॉय करोगे, ये करते समय में नीचे बैठ के करना है, कोई सोफे के ऊपर या लेट के नहीं करना है, इसका एक क्लास का एनवायरमेंट क्रिएट करना है, डेली 1 घंटा का क्लास रहेगा, वीडियो के माध्यम से रहेगा, उसके अंदर पूरा सीरियस होना है। यहाँ पे पेरेंट्स कंपलसरी चाहिए वीडियो देखते समय, क्यों पता है, क्योंकि कुछ सवाल रहेंगे बच्चों को बाद में पूछना होगा, उनको आंखों पे पट्टी बांधना ही है, उनको चेक करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो वो सभी ट्रेनिंग्स पेरेंट्स को मिलने वाली है, हर एक चीज आपको सिखाया जाएगा, हर एक चीज आपको कैसे करनी हो सभी ट्रेनिंग वो आपको मिलने वाली है। जरूर कहूंगा ये कोर्स करने के बाद बच्चे को क्या फायदा मिलेगा, पहला फायदा है कि बच्चों को आंख मिलेगी, क्या कह रहा हूं मैं आंख, और बताओ ऐसी आंख है जो वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, सैंड प्रूफ है, प्रूफ प्रूफ है, यानी 80 साल का बच्चा 90 साल का बच्चा आंखें बंद करके देख सकता है, एक बार आंख खुल गई तो लाइफ टाइम के लिए है, यानी एक बार बच्चों को आंखें बंद कर दी दिखा वो 80 साल का भी है 100 साल का भी है तभी भी दिख सकता है, यानी बच्चों को आज आई गिफ्ट करनी है, ध्यान से सुनिए बहुत बड़ी बात हम कर रहे हैं आई गिफ्ट। नेक्स्ट फायदा है हमारे फ्रेंड्स, ये करने के बाद बच्चों के इंद्रिय डेवलप होते हैं, टच है, स्मेल है, बच्चे किताबें स्मेलिंग से रीड करते हैं, और मैं बताऊं ये आज इंटरनेशनल लेवल पे सिखाया जा रहा है, एक नाम किसने सुना है आर्ट ऑफ लिविंग, हाथ ऊपर कीजिए, श्री श्री रविशंकर, ओके आर्ट ऑफ लिविंग, आप मैं बताओ आर्ट ऑफ लिविंग इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे सिखा रहे हैं, और इसके अंदर बच्चों को इतना ट्रेन कर रहे हैं, और वो चीजें जब सीख के डेवलप होते उनके इंद्रिया, वो श्री श्री रविशंकर जी क्या कह रहे हैं एक बार जरूर सुनिए। The Art of Living Pragya Yoga for children between 5 to 18 years old helps kindle this intuitive ability and builds confidence to act on their gut feelings. Three.
Our knowledge of the world usually comes from the five senses. In this program, we train the children to go beyond the five senses and tap into the sixth sense. आपने देखा ना intuition, अपना बच्चे intuition process करते, देखा आप लोगों ने? बच्चे intuition process करते हैं, उनके अंतर चक्षु जागृत होती है, तो बच्चे बहुत कुछ काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो ये बड़ा क्रांति लेके आया गया अभी शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत बड़ा क्रांति आ जाएगी इससे। हमारा अंतस्पुरण अंतर ज्ञान जागे तो बहुत कुछ हमको प्राप्त होएगा। कहूंगा ये क्रांति लाने वाला चीज है, और सभी को कहना चाहता हूँ आपके बच्चों करना है। ये करने के बाद आपके बच्चे का जो मेमोरी है ना, सेंसेस है, वो तो डेवलप होंगे, लेकिन मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ेगा। आंखें बंद करके जो पढ़ रहे हैं ना हमारे फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आंखें बंद करके वो अल्फा में पढ़ रहे हैं। अल्फा यानी एक हायर स्टेट है, कॉन्सेंट्रेशन की अवस्था है, जहां पे हमारी दोनों माइंड एक जगह पे आते हैं, अल्फा। और जब शून्य विचार है तब वो दिखाई दे रहा है, यानी वो सभी चीजें मेमोराइज हो रही है। यानी बच्चा रोज ध्यान कर रहा है, आंखें बंद करके रीड कर रहा है, तो सोचो उसका दिमाग कितना काम कर रहा है। मानो अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने मन की शक्तियों का 4% यूज किया, वो भी आंखें बंद करके नहीं देख पा रहे हैं। और आपके बच्चे आंखें बंद करके जब देखेंगे, याद रखेंगे, कितने लोग जानते हैं अंधे लोग होते हैं ना, ब्लाइंड, उनकी स्मरण शक्ति ज्यादा होती है, स्मरण शक्ति ज्यादा होती है। कितने लोगों ने सुना है? काफी लोगों ने। यही तो प्रोसेस है हमारे फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेशन, हायर स्टेट ऑफ माइंड। और जरूर कहूंगा ये प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चे का मेमोरी तो इतना बढ़ेगा, हमेशा स्कूल में फर्स्ट ही आने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक बताऊंगा, बच्चे हमेशा फर्स्ट ही आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताएं, आपके बच्चे सेलिब्रिटी बनते हैं, ऐसे सेलिब्रिटी के लोग फोटो खींचते हैं। आपके बच्चों के अंदर ऐसी स्किल डालो हमारे फ्रेंड्स, ऐसी स्किल जो लोगों को दिखाने के लिए काम आ सकती है। कैसे? स्कूल्स के अंदर बच्चे दिखाते, मैं आंखें बंद करके देख सकता हूँ, या फिर कोई मेहमान आए उनको दिखाता है कि बच्चा मैं आंखें बंद करके देख सकता हूँ, या कोई बाहर हॉस्पिटल में जाए डॉक्टर को बोलता है सर मैं आंखें बंद करके देख सकता हूँ, सोचो उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। और कोई एक स्किल जैसे बैडमिंटन है, चेस है, या फिर कोई भी खेल हो सकता है, जैसे स्केटिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकती है, कोई भी एक स्किल में मास्टर करना है, और उसको जो भी पसंद है उसमें मास्टर करना है, क्या रहम हो सकता है, कुछ भी, आंखें बंद करके सोचो। हमारे इतने सारे बच्चे जो इंडियाज गॉट टैलेंट में गए हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन, जैसे बैडमिंटन का कॉम्पिटिशन, वहां पे उसका पेपर में फोटोग्राफ आया, और एक लड़की ऐसी थी, उसके पिताजी ने कहा, उनके पिताजी ने कहा कि सर आपने तो हमारी पूरी जिंदगी बदल डाली, हमारी बेटी चार चार न्यूज चैनल में गई, जिन्होंने लॉकडाउन में कोर्स किया था, चार न्यूज चैनल के अंदर उसकी इंटरव्यू हुआ, और इतना कॉन्फिडेंस कि वो शर्माती थी, बोलती नहीं थी, और आज हर इंसान के सामने जाती है और अपने आपको दिखाती कि मेरे पास क्या नॉलेज है। नेवासा तालुक्यामधल्या भेंडा बुद्रुक मध्ये एका 9 वर्ष चिमुकलीनं अनोखी कला आत्मसात केली आहे। तन्वी पंडित असं तिचं नाव आहे। तिनं मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशनच्या माध्यमातून डोळे बांधून पुस्तक वाचण्याची तसंच चलनी नोटांची किंमत आणि रंग ओळखण्याची देखील कला शिकलेली आहे। मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशनची जोड दिली तर डोळे घट्ट बांधून सुद्धा ती मुलं कुठलीही वस्तू, अंक, अक्षर, रंगभेद अचूक ओळखू शकतात। इतकंच नाही तर कोणत्याही पुस्तकांचं कुठलंही पान डोळ्यांवर पट्टी बांधून खडाखडा वाचूनही दाखवू शकतात। हा कुठलाही चमत्कार नाही तर हे एका अल्पकालीन प्रशिक्षणातून साध्य होतं। मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशन हा कोर्स योगेश दयांनी सर औरंगाबाद यांच्याकडे केला। हा कोर्स लॉकडाऊन मध्ये केला। उन्होंने लॉकडाऊन के पिछले साल किया था, ऑनलाइन ही किया था घर बैठे। और जरूर कहूंगा आपके बच्चों के लिए होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज 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 प्लीज, मैं चाहूंगा कि सभी लोग ध्यान से सुनिए। आप अगर मम्मी पापा हैं, आप अगर बच्चे हैं, तो ध्यान से सुनो। सोचो आपका बच्चा जब आंखें बंद करेगा ना, अभी प्रिंसिपल मैम को दिखेगा, मैं आंखें बंद करके देख सकता हूं, मैम क्या कहेगी? कुछ भी बोलता है, झूठ बोलता है, कुछ भी बोलता है, ए वैसे होगा ये। जब वो आंखें बंद करके दिखाएगा ना, मैम कहेंगे अरे सोचना तेरे पास टैलेंट है क्या ये। आप एक काम करना, सुबह हमारे असेंबली है, सभी बच्चों को दिखाना है। सोचो माय डियर फ्रेंड्स, जब वो टीचर्स देखेंगे, बच्चे देखेंगे, क्या कहेंगे पता है? अरे तू क्या सीख के आया, मुझे सिखाना, मुझे सीखना है। और वो आपका बच्चा क्या बोलेगा पता है? सभी बच्चों को बोलेगा बेटा मेरी मम्मी है ना, मेरे पापा ने वो क्लास लेते हैं, शनिवार सोमवार होता है या सैटरडे संडे होता है, जो भी है डेट, और मेरी मम्मी पापा आपको भी सिखाएंगे, चल क्लास लगा। तो सोचो माय डियर फ्रेंड्स, आपके बच्चे आपको एक करियर का ऑप्शन देंगे, आपके बच्चे आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। जरूर कहूंगा ये प्रोग्राम कुछ ऐसा है जहां पे लाइफ बदली है। आंखें बंद करके जब आपके बच्चे के अंदर ये स्किल आएगी ना,
मैं कहता हूं इससे बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए नहीं हो सकती। पता है क्यों? आज ये सिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपके बच्चे के अंदर ये टैलेंट है ना, तो वो आप जिस सिटी में हो, आई नो मुझे ये चीज पता है, आप जिस सिटी में हो ना, वहां पे कोई नई चीज सिखा रहा है ये चीज है। और जरूर कहूंगा आपके लिए एक पॉजिटिव और आपके बच्चे सकारात्मक जब हो जाएंगे ना और ये नॉलेज दुनिया को देंगे, तो सोच सकते हैं उनका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, सोच सकते हैं उनकी मेमोरी किस लेवल की हो सकती है, सोच सकते हैं उनका नॉलेज का एक्सप्लोजन कितना हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके बच्चों के अंदर ऐसी स्किल डालो जो भीड़ के पास नहीं है। भीड़ के पास नहीं है वो नॉलेज, आपके बच्चों के अंदर ऐसा नॉलेज डालो कि वो कभी भूखा ना बैठ सके। एक स्किल बच्चों की जिंदगी बदल सकती। जैसे मैंने अपने जीवन में ये 2014 में सीखा था ना, उस समय पे मेरी शादी हुई थी, बच्चे नहीं थे, लेकिन आज मेरी बेटी है, आज 5 साल की है, उसको मैंने कोर्स किया, वो लाइव सेशन में भी बैठती है और उसको आंखें बंद करके दिखता है, 5 साल की है। आपको मैं बताऊं उसका करियर में इसमें करने वाला हूं, देवांशी उसका नाम, और आपको वो क्या कह रही है ध्यान से सुनिएगा। देवांशी हमारे साथ अभी, देखो मेरे फ्रेंड्स, आज हमने उसको ऐसा ट्रेन किया है, आने वाले समय पे मैंने आपको साथ, मैं भी रहूंगा और वो भी रहेगी। मेरा नाम है देवांशी, मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं खुद आंखें बंद करके देख सकती हूँ कि आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बड़ी के बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बता आप कितने लोग सीखना चाहेंगे? मुझे यस करो, यस। मुझे बहुत खुशी हो रही है, थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखा। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर नया कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं? तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ही सीख चुकी हूँ, आप मेरे काम का समय है। चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। इसका स्कोप क्या है मुझे पता है कि ये किस लेवल तक जा सकती है। और जरूर कहूंगा आपके बच्चों के अंदर ऐसी स्किल डालो जो भीड़ के पास नहीं है। जरूर कहूंगा ये नया साइंस है। 2013 के अंदर जब आया था और बच्चों ने अपनी जिंदगी बदल डाली है इस प्रोग्राम से। आपको मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है जब मैं लाइव कंडक्ट करता हूं ना, तो मैं बताऊं आपको, मुंबई से लोग आते हैं औरंगाबाद में ये सीखने के लिए, पुणे से लोग आते हैं जो 300-400 किलोमीटर है वो लोग आते हैं सीखने के लिए। सोचो आप ये करियर भी करोगे ना, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा लाइफ में चेंज आएगा। इसका प्राइस माय डिफेंस 14,999 है जब मैं लाइव सेशन कंडक्ट करता हूँ, मगर आज आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप इसका प्राइस चौंक जाओगे। आपको ये मिल रहा है क्योंकि ऑनलाइन है तो हमें काफी सारा खर्च भी कम आता है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम सिखा रहे हैं। तो जरूर कहूंगा ये प्रोग्राम, आज आपको कुछ गिफ्ट्स अनाउंस करूंगा, आज आपके लिए ही वो कुछ गिफ्ट्स है जो आज रजिस्ट्रेशन करेगा उनको ही मिलने वाले हैं। कितने लोगों को गिफ्ट्स पसंद है हाथ ऊपर कीजिए। और भी मैं कुछ देना चाहता हूं आपको इस प्रोग्राम के साथ। कितने लोगों को गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं? वाओ, काफी लोग हैं। जरूर कहूंगा आपके लिए मैं गिफ्ट लाया, वो है रेकी। ये पेरेंट्स के लिए रहेगा, मम्मी पापा के लिए। जरूर कहूंगा रेकी करने के बाद आपके बच्चे को कोई बीमारी हो गई उनको दवाई देने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे को सर्दी हो गई, खांसी हो गया, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, जैसे कोई रनिंग कर रहा है, रनिंग करते समय पैर में तकलीफ होती है, हाथ दुखने लगते हैं या काफी सारा बॉडी में पेन होता है, उस समय पे गोली खाने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे को रेकी करो। रेकी एक हीलिंग हो सकता है। आंखें बंद करके हम अपने शरीर को देखेंगे, शरीर में छुपी हुई बीमारी को देखेंगे, उसको निकालने का साइंस है। इससे हमने लिया था किसके लिए पता है? बच्चों को चश्मे हैं और वो चश्मे निकालने के लिए 80% बच्चों के हमने चश्मे निकाले हैं, स्पेक्स। और जरूर कहूंगा रेकी जैसे प्रोग्राम को जब मैंने सिखा था, मेरे आंखों पे चश्मा नहीं है, मेरे मम्मी को है, पापा को है, दीदी को है, मुझे नहीं है। क्यों पता है? मैं हमेशा मेडिटेट करता हूँ और रेकी जैसे साइंस को पता है मुझे कैसे करना है हीलिंग। मैं बताऊं ये प्रोग्राम आज आपको फ्री मिलने वाला है।
इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। रेखी जैसे जो प्रोग्राम है उसका आपको हायर टिकट प्रोग्राम है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जब लाइव लेता हूं ना मैं 10,000 इसका प्राइस है, मैं आज आपको फ्री दूंगा, फ्री। ओके, नेक्स्ट एक प्रोग्राम है डिफेंस एनएलपी, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, गिफ्ट्स है। कितने बच्चे टीवी ज्यादा देखते हैं, मोबाइल ज्यादा खेलते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। मोबाइल टीवी का बहुत ही प्रॉब्लम है, ओके, काफी है। आपको मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी 30 दिनों के अंदर, पहले 7 से 8 दिन के अंदर बच्चों का टीवी देखना कम 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 कम, बाद में नहीं होगा, और बाद में कुछ ऐसा होगा। ऐसे बच्चों के अनुभव है, अभी एक इंटरव्यू है, अब थोड़ा सा मेरे यूट्यूब पे जाओगे ना, तीसरे दिन का यानी परसों, एक 3 दिन पहले एक इंटरव्यू लिया था अद्वैत जिसका नाम, उसने कहा, उनके मम्मी ने कहा, सर मेरा बच्चा इतना टीवी देखता था, आज वो हमें टीवी नहीं देखने दे रहा है। यानी कुछ ऐसा बदलाव आया कि वो मम्मी पापा को भी टीवी नहीं देखने दे रहा है। यानी ये बदलाव आता है माय डिफेंस, क्यों पता है? क्योंकि बच्चों की जो साइकोलॉजिकल चेंज है, मन के पावर के चेंज है, न्यूरो यानी ब्रेन, मन की एक लैंग्वेज होती है, उसको हम प्रोग्राम करते हैं। मन को एक सही तरीके से प्रोग्राम करने के बाद बच्चे के अंदर जो भी आदत है, टीवी है, गुस्सा है, चिड़चिड़ है, हाइपर है, वो सभी खत्म। कैसे कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। हाँ। और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है, और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। टीवी मोबाइल का क्या है? अभी 11 दिन हो गया टीवी और मोबाइल देखते ही नहीं है, खाली टीवी पे अपना जो एक रचना है वही देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, इससे पहले देखते थे टीवी ज्यादा कुछ ऐसा? इससे पहले देखते थे टीवी, रिमोट ही नहीं छोड़ते, रिमोट छोड़ते नहीं। देखिए सभी यहाँ पे सुन सकते हैं, आर्या जो रिमोट ही नहीं छोड़ती थी और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवी नहीं देखी है। यानी ये बदलाव जो है ना ज्यादा दिन नहीं लगते, क्योंकि बच्चों के अंदर जो भी चेंज है, बदलाव है, हम तुरंत बदल देते हैं, क्योंकि बच्चों मेडिटेशन काफी अच्छे करते हैं और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो जल्दी क्यों आते हैं, क्योंकि उनका माइंड फ्लेक्सिबल होता है। तो ये प्रोग्राम आपको मैं फ्री देना चाहूंगा, उसका प्राइस है 7999, लेकिन ये कोर्स आज रजिस्ट्रेशन करोगे तो अलग से प्राइस नहीं देने पड़ेगा, इसका आपको फ्री मिलेगा। और एक प्रोग्राम देना चाहूंगा, एक अमेजिंग गिफ्ट, वो है मेमोरी पावर। मेमोरी को बढ़ाने के लिए मैंने 10वीं कक्षा में जो टेक्निक यूज किया था हैरी लोरेन का, और वो टेक्निक यूज करके मैंने पढ़ाई के अंदर जो मार्क्स को अचीव किया था ना, 78% जो मार्क्स, और बाद में ग्रेजुएशन में मोर देन 80 मार्क्स। ये प्रोग्राम करने के बाद मेरा 100% में गारंटी देता हूँ, आपके बच्चों को ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को ये नाम पता है, कौटिल्य पंडित, कौटिल्य पंडित जो ऐसा बाल नहीं है उसके, और वो हर एक क्वेश्चन का उत्तर देता है केबीसी या फिर काफी सारे आज तक इंटरव्यू हुआ था, कौटिल्य पंडित, पता है उसने मेमोरी टेक्निक्स, उसके दादा थे उन्होंने सिखाया था कैसे चीजों को याद रखना। और जरूर कहूंगा, जैसे बोन के नाम से ना, बोन के नाम, यहाँ पे क्रेनियम, यहाँ पे है स्टर्नम, यहाँ पे है यहाँ पे मेंडिबल, यहाँ पे स्टर्नम, यहाँ पे क्लाविकल, ऐसे 206 हड्डी के नाम मैंने बस 1 घंटे में याद रखे थे। और ये दूसरी कक्षा का बच्चा कर सकता है, दूसरी, इतने अमेजिंग टेक्निक्स है मेमोरी पावर का, कितना भी बड़ा नंबर हो, डेफिनेशन हो, क्वेश्चन आंसर हो, उसको याद रखने के लिए अमेजिंग टेक्निक्स है। और ये प्रोग्राम में चार्ज लेता हूँ 10,000, लेकिन आपको देने नहीं है पैसे, ये फ्री मिलने वाला है, फ्री गिफ्ट है ये, आपको थर्ड आई के साथ फ्री गिफ्ट्स है, ये अलग वर्कशॉप्स है जिसको आपको अलग पे करने होते हैं, लेकिन आपको आज फ्री है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोड के दूं। एक ही प्रोग्राम वो है मीटअप्स, यानी मैं आपको वीडियो दूंगा डेली 1 घंटे के, बाद में मैं लाइव आके सिखाऊंगा। मंडे एंड रात को 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा लाइव मीटअप होता है, यानी मैं खुद आके सिखाता हूँ लाइव, आपके जो भी क्वेश्चन है डाउन से उसको क्लियर करके आपको नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है। क्यों पता है, 30 दिनों का जो जर्नी है ना, उसको सीखने के बाद, यानी 30 दिन कंप्लीट हो गए आपके, उसके बाद आपको 15 मिनट का मेडिटेशन करना होता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा होता है, उसमें सभी से एक मेडिटेशन आपको कंपलसरी करना होता है, क्योंकि आपके रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन में आते रहे। ऐसा नहीं कि 30 दिनों के बाद आपको दिखना बंद होता है, वो दिखना चालू है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए। बच्चों को ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, हेल्थ उनकी खराब नहीं होगी, उनके अंदर जो और वो लाइफ टाइम के लिए है, हमेशा के लिए। यानी कोर्स 30 दिनों के लिए नहीं है हमारे फ्रेंड्स, ये आपको हमेशा के लिए रहेगा। और मैं बताऊं, ये जो क्लासेस हम लाइव लेते हैं ना, बहुत ही मजा आता है,
जो हम सभी स्टूडेंट आते हैं और उनको गाइड करते हैं, इसका कॉस्ट ऑफ डिफेंस 999, ये आपको फ्री मिलेगा। यानी आज थर्ड एक्टिवेशन, रेकी, एनएलपी, मेमोरी पावर, वीकली मीटअप, जिसका टोटल कॉस्ट ऑफ डिफेंस में जो लाइव कंडक्ट करता हूं 52,995 है, लेकिन ये फ्री मिल रहा है कोर्स, जिसके अंदर जो टोटल कॉस्ट है 14,999 आज कम देना पड़ेगा, वो है 10,999 नहीं माय डिफेंस, उससे भी कम, वो है आज आपको ये कोर्स मिलने वाला है 7,999। तो मुझे बताना कितने लोग चाहते हैं कोर्स को करना, से आए कितने लोग चाहेंगे ये करना है। ओके, काफी लोग हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं सर फीस बहुत ही ज्यादा हो गया है, बहुत ही ज्यादा फीस है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है अभी। कितने लोग हैं जो फीस के बारे में सोच रहे हैं और चाहते कि कम करें, कितने हैं? ओके, जरूर कहूंगा ये कोर्स आपको मैं एक शॉकिंग अमाउंट में देना चाहूंगा, एक शॉकिंग अमाउंट है आज आपको ये कोर्स 7,999 नहीं माय डिफेंस, उससे भी कम मिलने वाला है आज ये कोर्स आपको 6,999 नहीं, उससे भी कम मिलने वाला है आज आपको ये कोर्स मिल रहा है माय डिफेंस 5,999 नहीं। चार्ट में बताओ कितना रखो प्राइस चार्ट में बताओ, चार्ट में मुझे शेयर करो हाउ मनी प्राइस आई शुड टेक फ्रॉम यू टूडे, कि आपको ये सभी ऑफर में आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दूंगा कि सभी को ये सभी नॉलेज मैं शायद शेयर करूंगा। ओके, कितने हैं जो चाहते कि इसका कोर्स? ओके, अमोल जी आज भी आए हैं, वो बोल रहे हैं कि सर 2000 रखिए, 2500। अशोक सर बोल रहे 3000। ओके, ओम बोल रहे हैं 5000। सूरज बोल रहे हैं 1000। कोई एक भी बदला, एक भी चेंज बच्चों की लाइफ बदल देगा। एक हमारे स्टूडेंट है तपस्या, जिन्होंने ये कोर्स किया 30 दिनों का, और उनके अंदर ऐसा बदलाव 13 डेज में आया था, 13वें दिन में, कि उन्होंने किताबें फ्लिप करके पढ़ना शुरू किया था, QSR बोलते हैं, क्वांटम स्पीड रीडिंग। माय डियर फ्रेंड्स, सोचो ऐसे बच्चे जिनके अंदर पूरा चेंज, कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी, वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को, और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या? देखो, तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिडब्रेन को दिखाया, और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं, उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था, आई वाज शॉक, ये कैसे मुमकिन है। यानी उनके हाथ में, तपस्या के हाथ में बुक दिया था स्मेल करने के लिए, और उसने सभी जो बुक की किताबें, और एक बुक दिया, सभी किताबें को वो इमेज बता रही थी। 13 दिन में हुआ था, उनके पापा भी शॉक हो गए, मम्मी भी शॉक हो गए, अभी वो रीडिंग भी कर रही। ये एक चेंज, एक बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह से, बच्चों को बदल सकता है। मैं बताऊं, एक शॉकिंग अमाउंट है इसका आज, ये चीजें मैं सभी के लिए देना चाहूंगा, और जो 25 फैमिलीज है ना उनको ऑफर देना चाहूंगा। नहीं तो ये जो थर्ड एक्टिवेशन है वही मिलेगा, अगर बाद में सोचोगे, बाद में आपको वो जो प्राइस में बताऊंगा ना वो मिलेगा, लेकिन अगर आज आपने डिसीजन लिया ना तो इसके साथ ये प्रोग्राम मिलने वाले हैं। अगर आज आपने बच्चों की जिंदगी के लिए, उनकी लाइफ के लिए आपने बहुत सुंदर सा डिसीजन लिया, और ये पता है ये डिसीजन मनी बैक रहेगा। अगर 30 दिनों के अंदर आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखा, मुझे आना है बोलना है सर कुछ फायदा नहीं हुआ, बच्चों को आपने जो बोला था वो बकवास था पूरा, और मुझे पैसे चाहिए, मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आपके पैसे लौटा दूंगा। मुझे पॉजिटिव लोग चाहिए, सकारात्मक लोग चाहिए, जो मुझे पता है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, और वो कोर्स लेके झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो चीजें मुझे पता है। तो मैं बताऊं, ये शॉकिंग अमाउंट फॉर 25 पीपल्स जो आज रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो है माय डिफेंस। आज थर्ड एक्टिवेशन, रेकी, एनएलपी, मेमोरी पावर मिल रहा है सभी को 4,999। कितना? 4,999। ध्यान से देखिए आपको क्या करना है, ये 25 फैमिलीज के लिए मिल रहा है जो ऑफर है 4,999 में, रेकी जैसे प्रोग्राम, एनएलपी, मेमोरी पावर, थर्ड आई। आपको अभी के अभी करना क्या है, आपके एक बच्चा है, दो बच्चा है, सभी के लिए काम आने वाला है। आपको यही अमाउंट में पूरा फैमिली, इसमें मम्मी भी आएगा, पापा भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, दादा भी आएंगे, दादी भी आएंगे, सभी के लिए ये चीजें सभी के लिए बनाई है। ऐसा नहीं कि ये बच्चों को काम आएगा, बड़ों के भी थर्ड एक्टिवेशन होता है, यहाँ पे पेरेंट्स भी सीखने वाले हैं। और जरूर कहूंगा जो बड़े है, जो इसमें करियर करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए भी ये ऑफर है। यानी 4,999, अगर आपका एज आउट है यानी 15 के आगे है,
वो करना चाहते हैं एज अ करियर के लिए, तो ये ही ऑफर है। मैं आपको गाइड करूंगा कैसे कर सकते हो। मैं बताऊं, ये ऑफर आपको मिल रहा है माय डिफेंस, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे रजिस्ट्रेशन करना है। कोई फोन ना करिए, मैं अकेला यहाँ पे बैठा हूं। प्लीज अगर मुझे कॉल कर रहे हैं इस नंबर पे, डोंट डू कॉल, मैं उठा नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरे बैंक डिटेल्स है, SBI, ये IFC कोड, आप अभी क्या रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप पे पेमेंट किया हुआ था फोटो स्क्रीनशॉट भेजना है, आपने जो भी पेमेंट किया है। मैं आपको एक लिंक दूंगा वेबसाइट की हमारी, उसका ऊपर यूजर आईडी पासवर्ड होगा, और वो पासवर्ड डाल के आप ये वीडियो को सिक्वेंसली देखोगे। सिक्योरिटी दिया है यूजर आईडी पासवर्ड का, वीडियो डे वन, डे टू, डे थ्री, उसके अंदर ऑडियो के फाइल रहेंगे, फॉलोअप रहेगा, यानी वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, वो सभी सिस्टम है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमारा टीम आपको सपोर्ट करेगा। और मैं बताऊं, आज के लिए ये ऑफर है, सो सोचना नहीं है, डिसीजन लेना है। ओके, 499 में मिल रहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। ओके, मैं बता रहा हूं यहाँ पे, यहाँ पे मैं बता दूं, काफी लोग कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए प्लीज, ये जो फोटो है इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, काम आएगा। स्क्रीनशॉट निकालिए, स्क्रीनशॉट निकालिए सभी लोग। मैं चाहूंगा कि आज 25 और कोई भी जाना नहीं है, मैं आपको छोड़ने भी नहीं वाला हूं, आज मैं आपको छोड़ने नहीं वाला हूं। पता है क्यों, जब मैंने ये चीजें एट अ एज ऑफ 25 समझी ना, 25 साल की उम्र में, मेरे दिमाग में यही था कि मुझे बचपन में क्यों नहीं मिला। मैंने 10-10 घंटा प्रैक्टिस किया था, 10-10 घंटा, और मैंने सोचा कि मुझे भी आंखें बंद करके दिख जाएगा, लेकिन इतना मैं खुद को देखा कि अरे ये चीज मुझे बचपन में मिली होती तो, हमारे समय पे ये नहीं था, बच्चों के समय पे। कोई है जो मुझे करना चाहेगा, सभी को बता दूं, यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगा कि कोई डाउट है, क्वेरीज है, प्लीज 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 अभी सॉल्व करिए, क्योंकि ये ऑफर बाद में नहीं है और ये मौका बाद में नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो कोर्स है ना, जो रेकी के मैं आपको बताऊं, ये नेक्स्ट लेवल के रहने वाले हैं, इसको आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, या NLP जैसे टेक्निक्स को, मेमोरी, वो अभी फ्री मिल रहा है, इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा लो। किसी के कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, प्लीज रेज द हैंड। ओके, कैसी भी समस्या है तो मुझे बताइए इस कोर्स के रिलेटेड, ठीक है, सो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरीज है, डाउट्स है, प्लीज रेज द हैंड। ओके, अदलोक सर बोलना चाहते हैं, और मुझे कॉल ना कीजिए प्लीज, यहाँ पे कॉलिंग भी काफी आ रही है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, बाद में कॉल करिए। ओके, अदलोक सर अनम्यूट कीजिए, सर अनम्यूट कीजिए, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ रहा है, यस बोलिए सर, यस सर बोलिए, आवाज आ रही है, यस सर, हाँ बोलिए बोलिए, क्या सवाल था आपका सर, बोलिए, कुछ भी डाउट है क्वेरी सर बोलिए। नहीं ना सर, आज के लिए ऑफर है और आपको आज ही करना है। आपका बच्चे का एज कितना था? ओके, आवाज थोड़ा सा कम है। ओके दीदी, कर सकते हैं, 5 साल के ऊपर है, वेरी गुड वेरी गुड, करिए सर, लेकिन अभी करिए ना, क्योंकि ये ऑफर आपको आज मिलेगा, बाद में आपको थर्ड एक्टिवेशन का कोर्स मिलेगा इसी अमाउंट पे, ठीक है, तो आप ये चीजें कर सकते हो अभी के, ठीक है, हाँ आप जुड़े रहिए, मैं आपको खुद बाद में बताऊंगा क्या करना है, ठीक है, आप जुड़े रहिए। ओके, और किसी के डाउट्स है, क्वेरीज है सर, आज ही पेमेंट करना होगा क्या? यस सर, सर क्या गारंटी है? गारंटी ये है, मनी बैक गारंटी है। ओके, सभी को मैं कह रहा हूँ, गारंटी ये है, मनी बैक गारंटी है। 30 दिनों के अंदर अगर एक्टिवेशन नहीं हुआ, मेरा यूट्यूब चैनल है देखो, जिसके ऊपर मैंने 7 साल से वीडियो डाले हैं, यूट्यूब से मुझे पैसे आते हैं काफी सारे, ड्यू टू एडवर्टाइजिंग एंड ऑल, और मोर देन 400 से भी ज्यादा वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, और एक ही टॉपिक है, थर्ड आए, और मेरा 7 सालों की जर्नी देखोगे तो मुझे बोलना भी नहीं आता था, उस समय के वीडियोस है जहां पे मैं बच्चों को ऐसे क्लास में स्कूल्स के अंदर जाता था, सिखाता था, वो भी वीडियोस है। और मैं बता दूं तो प्लीज, मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा, आपके पैसे सुरक्षित हैं, क्योंकि मैं बताऊं, मैं जब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया था, मुझे पता है कि पैसों की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये सीखने के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किया है, और आपके पैसे की वैल्यू मैं जानता हूं, आपको कभी नहीं फंसाऊंगा, ठीक है, तो ये मेरे विश्वास के साथ करना है, ठीक है। आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर, ये कोर्स करते समय के अंदर? बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह,
टीवी नहीं देखता है मतलब आया है सर कि ये गुस्सा करते थे यस उससे इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया गुस्सा खत्म हुआ और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते हैं भाई बाप रे यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर अभी कहने की जरूरत नहीं है तो कुछ जाके पढ़ रहा है ये स्मेल करके किताबें पढ़ लेते हैं इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये अच्छा और बॉटल इनको देता हूँ पट्टी बांध देता हूँ और स्मेल करके मैं कहीं रख देता हूँ छुपा देता हूँ वो ढूंढ के लेके आ जाते हैं बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को तो ये कोर्स ले करके और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है खर्च कर सकता है तो ले करके बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है सभी पेरेंट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे ओके सर थैंक यू वेरी मच और मेरे मिशन में आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है और ये नॉलेज बचपन में ही मिले मैं ये चाहता हूँ ओके सर कोई डाउट है प्लीज गोपाल सर आप फोन भी कर रहे थे शायद मुझे आपका नंबर यहाँ पे दिख रहा है या अनम्यूट कीजिए सर सर वो एक्चुअली फोन तो लग गया था मैं क्या आपका फोन पे पे ढूंढ रहा था नंबर ना वो आ नहीं रहा था फोन पे पे ठीक है आ जाएगा थोड़ी मेरा सर ये था कि सर मेरे जो गुड़िया है सर वो 4.5 ईयर की है मतलब अगस्त में 5 साल की होगी अभी तो हाँ तो वो कर पाएगी क्या ये वाली गुड़िया है 4.5 है क्या 4.5 4.5 से ज्यादा 4.5 ओके सर मैं सभी को बताऊं ये सभी का डाउट्स क्लियर होगा जिनके भी 5 साल के हैं पहला चीज है सर मैं कोर्स दूंगा दीदी को आएगा मगर मैं अगर एक महीने में नहीं आया तो मैं पैसे नहीं दूंगा क्यों पता है क्योंकि हमारे पास और 10 साल है क्योंकि एज लिमिट कितना है 15 है ना 15 है और मैं आपको कितना सिखाने वाला हूँ लाइफ टाइम सिखाने वाला हूँ यानी अगर आज वो नहीं कर पाए क्योंकि क्यों नहीं कर पा सकती है वो कर सकती है मुझे पता है लेकिन 1% मेरा एक डाउट है नहीं करने का क्यों पता है क्योंकि वो छोटी है ना तो छोटे बच्चे मेरे भी बच्चे 5 साल की लेकिन क्या होता है छोटे बच्चों को हम कुछ बोलेंगे वो नहीं सुनते वो उनका हमें सुनना पड़ता है आपको पता है ये सभी चीजें यानी कभी कभार वो नहीं कहे पापा मुझे नहीं करना है चलो जाओ तो वो उस समय पे आपको सुनना पड़ेगा थोड़ा बहुत क्योंकि मेरी भी बच्ची नहीं सुनती है ऐसा नहीं कि ट्राई करेंगे ये देखिए वो करेगी हमारे पास 4 साल के भी बच्चे उनका एक्टिवेशन हुआ है मैं आपको वीडियो भेजता हूँ सर हमारे 4 साल के 5 साल के भी बच्चे वो करते हैं लेकिन 1% चांसेस नहीं करेगा लेकिन ऐसा नहीं कि वो जिंदगी में नहीं कर पाएगी मैं क्या कह रहा हूँ अगर आज नहीं हुई तो 6 महीने के बाद 5.5 हो गए ना सर वो करने वाली है और आपको मैं ट्रेन करने वाला हूँ आप एक टीचर बनने वाले हो यानी आप कुछ ऐसा बनोगे कि आपके पास कोई भी बच्चा है ना आप उसको सिखा भी सकते हो ऐसी लेवल का ट्रेनिंग आपके पास आप केवल वीडियो ही देंगे या फिर डेली लाइव क्लास करेंगे लाइव क्लास आएंगे जूम पे रहेगा मंडे एंड वार 9 से लेकर 10 बजे तक लाइव सेशन होता है जो भी डाउट्स होते हैं क्वेरीज होते हैं वहां पे हम सभी स्टूडेंट एक जगह पे आ जाते हैं ओके वहां पे हमारा गाइडेंस आपको मिलता है जूम पे रहता है अब तो वो सपोर्ट हमेशा के लिए है रात को 9 से 10 बजे मंडे एंड तो लाइव टाइम रहेगा वो वाली क्लास है ना तो जब ये 6 साल की हो जाएगी तो उस टाइम भी हम कर सकते हैं और ये वीडियो भी आप लाइफ टाइम के साथ रहेंगे यानी कंप्यूटर में आप उनको बड़े होने के बाद भी दिखा सकते हो ये पूरा ट्रेनिंग दूसरा सर आपने ये अभी जो दिखाया इसमें सीरीज के बॉक्सेस वगैरह थे जैसे रेकी के और सबके तो ये कुछ आप भेजने वाले हैं हमको या सभी को कहना चाहूंगा ये बुक्स नहीं है ये वीडियोस है और ये वीडियोस आप को बताऊं आपको जो कोर्स मिलेगा ना 30 डेज का उसमें ये उसमें मैं क्या करता हूँ अभी काफी दिनों से ऑफर चालू है तो मैं क्या कर रहा हूँ जब लिंक भेजता हूँ ना उनका क्या आता है मुझे मैसेज सर वो बाकी के प्रोग्राम्स कहाँ पे हैं वो 30 डेज के में ही है 30 डेज में है वो यानी 30 दिनों का जो एडवांस प्रोग्राम है ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अभी 30 दिनों के लिए है मिड ब्रेन एक्टिवेशन ये बस 10 या 12 दिन का प्रोग्राम है उसमें 12 दिन में हो जाते हैं बच्चों को दिखना कब शुरू होता है 7 से 8 दिन में शुरू होता है कैन वी पे 2500 नाउ एंड रेस्ट ऑफ मनी लेटर ओके यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं सर अभी हम 2500 पे करेंगे बाकी के पैसे बाद में पे करेंगे क्या मैं आप सर रुकिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है वो आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि वो कैसे होगा उसके लिए मैं बताऊंगा क्या होगा लेकिन आप रुकिए और किसी के कुछ डाउट्स क्वेरीज है हाँ तो कर लीजिएगा
सर उसका क्या हुआ सर, तो सीरीज वगैरह भेजेंगे या सर हमें वीडियो डाउनलोड करने हैं? आपको लिंक मिलेगा, सभी को मैं कह रहा हूँ, ये पेमेंट करने के बाद आपको वेबसाइट है हमारी, उसका लिंक मिलेगा, यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, जैसे बायजूस होता है एप्लीकेशन या फिर वेदांतु होता है उसका सिक्योरिटी होती है उनके, उसी प्रकार हमारा एप्लीकेशन नहीं है, हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर वीडियो रखे हुए हैं, वो लिंक मिलेगा, अभी ऑनलाइन है पूरा, ई लर्निंग है, ये लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा है ना? लाइफ टाइम रहेगा, आपको यूजर आईडी पासवर्ड वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा, ठीक है? ओके थैंक यू सर। ओके मैं आपको बताऊं, और किसी के कुछ डाउट्स है क्वेरीज है हाथ ऊपर कीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज प्लीज प्लीज। यस सर आप बताइए, गैलेक्सी J7 ओके आपका बच्चा परफेक्ट एज लग रहा है, यस सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, अनम्यूट सभी के पास आएंगे, सभी को मैं छोड़ने वाला नहीं, सभी को आप सभी को करना है। ओके अनम्यूट कीजिए सर, बेटा अनम्यूट मैसेज आएगा, गैलेक्सी J7 अनम्यूट मैसेज आ रहा है, देखो मोबाइल के ऊपर अनम्यूट मैसेज आ रहा है, अनम्यूट करो, अनम्यूट फिर से एक बार कोशिश करो, वेरी गुड, ग्रेट, बोलो अभी क्या सवाल है सर, आपके कुछ सवाल है मैं आपको देख रहा हूँ, यस बोलिए बेटा कुछ तो भी बोलो, आवाज आ रही है? हेलो सर, हाँ बोलिए, अभी पेमेंट कितने बजे तक करना चाहिए, आज बोले तो कितना बजे? 15 मिनट का है सर, देता हूँ, ठीक है, एक घंटे के अंदर कर सकते, चलो आज करिए, सभी को पेमेंट करना है ये चीजें। ओके और किसी के कुछ डाउट्स है क्वेरीज है, आपका बच्चे का एज कितना है सर, एज कितना है बेटा का? और एक सुनना था, मेरा बच्चा कैसे 2 है, अरे वाह डबल, आपको डबल फायदा, एक ही कोर्स में दोनों का हो जाएगा सर, हो जाता ना सर, दोनों का हो जाएगा, इसी की वीडियोस है ना तो दोनों, और ये बताओ और एक फायदा है ऑनलाइन का, दो तीन फायदे बता रहा हूँ ऑनलाइन का, एक ऑनलाइन का फायदा क्या है, आपके घर में कितने भी बच्चे उनको सिखा सकते हो, दूसरा फायदा है पेरेंट्स सीखने वाले हैं, ये बड़ा फायदा है, जब हम लाइव क्लास लेते हैं ना पेरेंट्स को सिखाते हैं, लेकिन कभी ऊपर ऊपर का, लेकिन जो डीप नॉलेज है पेरेंट्स को वो थर्ड आई का मिलने वाला है, तो डीप जो अंडरस्टैंडिंग है रेकी एनएलपी वो डीप नॉलेज आपको मिलने वाला है। और किसी के कुछ डाउट्स है हाथ ऊपर कीजिएगा। ओके एक सो वन ये सर आपके भी पास आते हैं, सो वन है बेटा, अनम्यूट करो, अनम्यूट हो जाएंगे आप, अनम्यूट करो या बोलो, कर चुके हैं क्या, कब करने, अभी किया क्या आपने? ओके चलो, थैंक यू वेरी मच मैम ने किया है, मैम सभी को मैं बोल रहा हूँ ये पेमेंट ऑप्शन है, किसी को पेमेंट करना है तो अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए, बाद में मौका नहीं, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और स्क्रीनशॉट निकालने के बाद मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे, तभी जाके कोर्स मिलेगा। एक सर थे उन्होंने 5 दिन के बाद स्क्रीनशॉट भेजा, 5 दिन, ये मेरा मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप का, इसका स्क्रीनशॉट मत भेजिए, इसका कुछ काम का नहीं है, पैसा जो पे किया है फोन पे का उसका भेजना है अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। और मैं बता दू, ओके और भी हमारे साथ सर है, सर आप अनम्यूट कीजिए, चीका अप्पा सर क्या नाम है, आई डोंट नो, प्लीज सर अनम्यूट कीजिए सर, यस बोलिए, जय गुरुदेव, मैंने कन्नड़ा में सीखना चाहता हूँ। ओके बच्चे को हिंदी नहीं आती है? नहीं हिंदी नहीं आती है उनको। कितना एज है उनका, एज कितना है? 5 साल का एक है, 7 साल का एक है। थोड़ा थोड़ा कार्टून्स वगैरह देखता होगा तो हिंदी समझती होगी, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, मूवीज कार्टून्स वो हिंदी नहीं समझता, हिंदी सिखाइए, अभी तो दिमेश कोर्स है हमारा, कुछ नहीं कर सकते सर, थोड़ा सा बड़ा हो के फिर करिए, ऐसा करिए, हमें सीख के उनको सिखाने नहीं आते क्या? वो ऐसा कुछ नहीं समझता क्या सर, कि ऐसा थोड़े बहुत है, ज्यादा नहीं, एक समय इसमें 80% एक्सरसाइज है, कितना 80% एक्सरसाइज क्या है, डांस है, एक्सरसाइज क्या है, हाथों के है, मेडिटेशन है। अगर मैं उनको कहता हूँ कि बेटा हिंदी में बोलता हूँ बेटा हाथ ऊपर करो तो समझता है क्या? नहीं समझता वो, समझता है तो इतना बहुत हो गया, समझता है ना, एक्शन नहीं करूंगा, ऐसे बोलूंगा डायरेक्टली, ऐसे हाथ ऐसे करके हाथ ऊपर करो तो समझेगा, क्योंकि मेडिटेशन में थोड़े ना एक्शन दिखाई देता है, आंखें बंद रहेगा उसका, मेडिटेट करेगा, मैं कहूंगा बेटा हाथ ऊपर करो, हाथ तरफ करो, ऐसे समझेगा या नहीं समझेगा? तो नहीं समझेगा। ठीक है सर, देखिए फिर थोड़ा सा क्या कर सकते, देखो मुझे बाद में कॉल करो आप, ठीक है, मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है मुझे, यस ठीक है। और कोई है जो कुछ सवाल है? ओके कितना ये सवाल है, चलो ये सवाल किसका है सर, फीस बहुत ज्यादा है हम करना तो चाहते हैं फीस ज्यादा है, ऐसे कितने लोग हैं,
ओके, हमारे पास अभी पैसों की कमी है, हम करना तो चाहते हैं। ओके, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये फीस हमने काफी सोच समझ के रखी है, क्योंकि मुझे पता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इश्यूज है, लेकिन उसकी कुछ वजह भी है जो मैं चाहता हूँ कि वो वजह आपको मैं बताऊं। मैं 1000 में भी रख सकता था, सभी लोग जुट जाते थे, मगर नहीं रखूंगा। क्यों पता है? मुझे गिने चुने हुए लोग चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि पहला चीज है, ये प्रोग्राम काफी हाई टिकट वाला है। रीकी सीखने के लिए आपको 25,000 से 30,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे बाहर, लेकिन वो बाद में नहीं पे करेंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लाखों रुपए बचेंगे। क्यों पता है? आपके बच्चों को छोटी छोटी बीमारी के लिए दवाई नहीं लगेगी, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, लाखों का खर्चा बचेगा। और फ्रेंड्स, आपके बच्चों को रिंकी करने के बाद स्पोर्ट्स में इसका इतना बेटर यूज होता है। जैसे एक बच्चा है, उसने एक कंपटीशन में गया था रनिंग वाले, और रनिंग करते समय कहा कि मेरे पैर बहुत दुख रहा है सर, हाथ दुख रहा है। और मैंने क्या किया, आंखें बंद करके उस सभी बीमारी को ठीक किया, और स्कूल में फर्स्ट आया रनिंग में। मेरे अभी तक हाथ पैर नहीं दुखते कभी भी। यानी एक पेन किलर की जो दवाई देते हो ना, वो देने की जरूरत नहीं है। ओके, पहला चीज है रिकी हमेशा के लिए, मम्मी पापा के लिए भी काम आता है। नेक्स्ट है एनएलपी, मोबाइल छोड़ने के लिए आप मुझे कितना पे करोगे बोलो? आपके पास है सॉल्यूशन मोबाइल छोड़ने के लिए, टीवी छोड़ने के लिए? मैं आपको बताऊं, ये मोबाइल छोड़ भी दिया ना बच्चों ने, आपके पैसे फिट गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हजारों बच्चों के प्रॉब्लम्स और पैसे बचने वाले, वो है मेमोरी टेक्निक्स के। मैं बताऊं, 11th 12th में बच्चों को ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये टेक्निक्स मैंने 12th में यूज किया था, इतने सिंपल मेरा अनुभव 12th का साइंस का। आपके बच्चों को कोई डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, नो नीड ऑफ एनी क्लासेस, आपके लाखों रुपए बचेंगे। ये प्रोग्राम आज आपने किया, इसके साथ जो गिफ्ट मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है, बच्चे को अगर आंख मिल गई ना, अभी मैं आपकी हार्ट टचिंग अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अभी हमारे एक सर है मुंबई के, उन्होंने ये कोर्स लिया और मैंने उनको फ्री दिया, फ्री पैसे नहीं लिया, फ्री दिया। पता है क्यों? उनके बच्चा ब्लाइंड है, आंख के नहीं, उसको 7 साल की उम्र है उसकी, 7 एज। वो करना चाहते थे, कहने लगे कि सर मेरा बच्चा बचपन से ब्लाइंड है, मैं सिखाना चाहता हूँ अपने बच्चों को। मैंने कहा सर आपको ये फ्री है, मैं पैसे नहीं लूंगा, रिजल्ट आया तो पैसे दे आप मुझे। उसको आज 15-16 दिन हो गए हैं, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और इतना परेशान कि वो वीडियो को नहीं देख रहा है, या फिर ऑडियो को भी हम बोलते हैं कि आप हाथ रफ करो, कॉस्मिक एनर्जी देखो, चक्रास को देखो, वो बोलता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। यानी उसने कोई कलर नहीं देखे हैं, उसने कुछ वो देख नहीं पा रहा है, कोई चीज हम रिकॉग्निशन के लिए दे रहे हैं वो बता नहीं पा रहा है। हम कैसे भी करके औरंगाबाद में आते हैं, वहां पे रुक जाते हैं होटल के अंदर, आपकी जो भी फीस है वो पे करेंगे, मगर आपके बच्चे को हमारे पर्सनली सिखाएंगे। मेरे फ्रेंड्स सोचो, जो बच्चे की आंखें नहीं है उनको पूछो कि आंखों की वैल्यू कितनी है। मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों की जिंदगी के लिए आप एक सेफ्टी आंख देख सकते हो, सेफ्टी के लिए, जैसे एक स्टेपनी होता है, स्टेपनी यानी गाड़ी के अंदर एक टायर पंचर भी हुआ ना तभी भी दूसरा काम करेगा, स्टेपनी के लिए दे सकते हैं 5000। तो मेरे फ्रेंड्स मैं गारंटी दूंगा, नहीं खुला तो पैसे 5000 वापस, यानी आपके पैसे जाएंगे नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ एक भी बदलाव, एक भी चेंज आया ना, बहुत हो गया। जैसे हमारे फॉलोअप होता है हमारा वीकली मीटअप, ये हमारा वीकली मीटअप का वीडियो है मेरे फ्रेंड्स, जब बच्चे आते हैं ना मुझे कहते हैं सर मेरे लाइफ में ये बदलाव हुआ, वो चेंज हुआ, ये बदला हुआ। सोचो 5000 आपको आज ज्यादा लग रहा है ये चीज करने के लिए। मैंने ये सीखने के लिए फ्रेंचाइजी लिया था, 2.5 लाख का, 2.5 लाख का फ्रेंचाइजी लिया मैंने। ये चीजें मैंने पहली बार जब थर्ड आई को सीखा था, बाद में जो एनएलपी सीखने के लिए उधर काफी सारा पैसा खर्च किया, काफी सारी किताबें पढ़ी, तभी जाके ये नॉलेज आया। और जरूर कहूंगा जो बदलाव आते हैं ना चेंज, मैं कहता हूं कि ये लाखों ने करोड़ों पे, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये सभी प्रैक्टिस करके बदलाव आया, चेंज आया, हाथ ऊपर कर लिए, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत चेंज आया, थर्ड एक्टिवेशन या मिड ब्रेन। यस अद्वैत बेटा अनम्यूट करो सर। जब मैं मेडिटेशन करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तो यही तो मैं चाहता था आपको अच्छा लगे। वाह वाह, मेरा टीवी मोबाइल भी छूट गया है। ओके, अद्वैत के लिए जोरदार क्लैप बजाइए। वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं पहले बहुत देखता था, अब कम हो गया। या पहले देखता था, अभी बहुत कम हो गया है। ओके ओके, और आंखें बंद करके कैसे दिख रहा है बेटा? बहुत अच्छा दिख रहा है सर, बहुत अच्छा दिख रहा है। एक पेज बताता हूँ ना तो मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ। अरे वाह, एक पेज बताने के बाद पूरी स्टोरी बता देता है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसे ही प्रैक्टिस करो। अद्वैत के लिए जोरदार क्लैप बजाइए, वेरी नाइस, वेरी गुड। प्रचित बोलो, प्रचित सर मैं आंखों पर पट्टी बांध के रीड कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड राइटिंग भी कर रहा हूँ अभी अभी, और अभी जब वो आपने जो वीडियो भेजा अभी अभी मैं आंखों पर पट्टी बांध के पूरे
पेज एक एक अपने माइंड में बिठा दे रहा हूँ आंखों पर पट्टी बांध के, और मैं सारे कार्ड्स रेगुलराइज कर सकता हूँ। अरे वाह 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 वाह, ओके, इनके लिए जोरदार क्लैप बजाइए, जोरदार जोरदार, आई नीड मोर 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 क्लैप्स। यस 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 यस। और आंखों पर पट्टी बांध के मैं थोड़ा थोड़ा रीड कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने जब प्रैक्टिस की थी तो थोड़ा मुझे आंखों पर पट्टी बांध के थोड़ा रीडिंग आ रहा था। ओके, आंखों पे पट्टी बांध के रीडिंग भी आ रहा है, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे मैं अनाउंस कर रहा हूँ, काफी खुशी वाली बात है, आज मेरा जो मिशन है वो साकार हो रहा है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 9 लोगों ने एडमिशन लिए हैं, 9 पीपल्स की मैं देख रहा हूँ कि उनके नंबर्स मुझे आए हैं, मैं जरूर कहूंगा। ओके, किसी को मैं बताऊं, यहाँ पे काफी मैसेज आ रहा है ये कि सर हम 2500 पे करते हैं ना और बाकी के रेस्ट बाद में करते हैं। मैं बोलता हूँ ये ऑफर नहीं है, आपको 5000 पे करने हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम्स है कि आप नहीं पे कर सकते तो बाद में मुझे करके मैसेज करिए, मैसेज करिए अभी कि सर वी हैव सीन टुडे वेबिनार। ओके, आप ऐसा मैसेज करिए सर वी वांट टू डू पेमेंट हाफ एंड हाफ लेटर, तो वो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। मैसेज करके मैं आपके लिए ऑफर रखूंगा, आई डोंट नो कि कब बदलेगा, आपके लिए रखूंगा। तो जब भी पूरा पैसा आ जाता है तब मैं आपको दूंगा, वो चाहे 15 दिन 20 दिन लगे आपको, लेकिन मैं आपको बीच में नहीं करूंगा। क्यों पता है? क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो पूरा सिस्टम में रखा हुआ है, और सिस्टम में रखा हुआ है तो वो बीच में जो वीडियो देता हूँ ना, हाफ वीडियो, काफी लोग कहते हैं सर हमें हाफ कोर्स दीजिए, ये दीजिए, तो होता कुछ ऐसा है मेरा एक, मैंने बीच बीच में, अगर आप जो पुराने हो तो मैंने दिया है भी वैसे, 2500 पे करने के लिए कहता हूँ आपको मैं हाफ कोर्स देता हूँ, लेकिन होता कुछ ऐसा है बच्चों को आंखें बंद करके दिख जाता है हाफ कोर्स में, और उनको क्या लगता है अभी हो गया, दिखना तो हो गया, लेकिन मेरे लिए वो सब्जी पाला है। ओके, और बाकी के पैसे में जब पूछता हूँ ना वो फोन नहीं उठाते हैं, या फिर आगे के जो कोर्स है वो मैं नहीं देता उनको। आगे का कोर्स बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, पढ़ाई है, टीवी है, मोबाइल है, बीमारी है, वो नेक्स्ट लेवल के कोर्स है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 1 महीना रुको, 2 महीना रुको, कोई बात नहीं है, वैसे मैसेज करो कि सर मैं बाद में पे करूंगा, ओके अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो प्लीज मैं अभी वो चीजें नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने रीजन ये तो हो गया, अभी आग बंद करके सीखना है, दैट इज ओके, ठीक है ना। पर अभी आप खुद ही बता रहे थे कि ये कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है कि बच्चे की मेमोरी बढ़े, ठीक है ना, वो फटाफट लर्न करे, उसको मतलब पढ़ाई में हेल्प करे, वो चीज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आके है तो आके बंद करके सीखना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। ओके, तो यानी मैं कहना ये चाहता था सर, ऐसा था कि ज्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं आंखें बंद करने के लिए, अट्रैक्शन उनका क्या होता है कि मेरा बच्चा आंखें बंद करके देखे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आंखें बंद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मेडिटेशन करके वो कॉन्सेंट्रेशन होके वो जीरो थॉट्स में जाके जो बदलाव है ना वो अलग है, वो अलग है। वो कैसे अलग है मैं बताता हूं। जैसे आंखें बंद करके जब रोजाना मेडिटेशन करेगा ना बच्चा, तो उसके विचार कंट्रोल हो जाएंगे, उससे उसका बिलीफ स्ट्रांग होगा, उसकी विजुअल्स पावर बढ़ेंगे, विजुअल यानी विजुअलाइजेशन, उसका माइंड एक जगह पे टिक जाएगा, बैठेगा, उसका माइंड एक जगह पे बैठेगा। और नेक्स्ट लेवल है कि ऑटोमेटिकली सर, ऑटोमेटिकली उसको आंखें बंद करने की नहीं, वो ऐसे भी पढ़ेगा ना डायरेक्टली, उसको सभी चीजें याद रहे। यानी मैं कहना ये चाहता था कि आप काफी लोग क्या करते हैं, सर मुझे आंखें बंद करके देखना और हमें कोर्स करना है, तो मैं कहता हूं इसके बियॉन्ड है। अगर जो लोग स्पिरिचुअली है, मैं उनके लिए बता रहा हूं, ये चीजें फायदे देती है बच्चों को एक आध्यात्मिक लेवल पे ऊंचाई ला जाने के लिए। जैसे गलत आदतें हो सकती है सर, गलत आदतें क्या हो सकता है कि झूठ बोलना है, या फिर चोरी हो सकता है, या फिर कभी कभार वो मे भी खान पान में हो सकता है, या शब्दों में हो सकता है, वो शब्द नहीं बोल सकते बच्चे। पता है कि ये हायर एनर्जी क्या करती है पता है उसको, वो कभी गलत आदतों को लेके वो नहीं जाने देती उनको, वो सुरक्षित रखती है। जैसे मैं कहता हूँ ना वाइब्रेशंस निकलते हैं, पॉजिटिव ओरा निकलता है, तो ये जो ओरा है ना वो कभी गलत आदत ही संगत ही नहीं लगेगी उनके पास। जैसे मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो एक छोटा बच्चा है ना, जब इस दुनिया में आता है ना वो परफेक्ट होता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होते। तो उसी प्रकार जब हम उसको देखते हैं ना, ऐसा लगता है अरे वाह कितना, ये हमारी थकावट निकल जाती है, ऑफिस से घर आते हैं ना ऐसा लगता है उसको देखते हमारा पूरा थकावट निकल गई उसको देखने के बाद। उसी प्रकार जो तपस्वी होता है यानी जो साधु संत होते हैं, उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनको हम देखते रहे, उनके पास बैठे अनके उनके पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं। सेम वे बच्चा जब रोजाना ध्यान करेगा ना, आप उसके फैन हो जाओगे, फैन इस लेवल के कि वो पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस निकलेगी ना उसके अंदर बदलाव तुरंत दिखेगा, चेंज इतना। जैसे एक पेरेंट्स थे, उन्होंने कहा कि सर मेरे बच्चों में थर्ड आई इतना इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए,
आंखें बंद करके, मेरा बच्चा शांत भी बैठे ना काफी हो गया, मेरा बच्चा इतना हाइपर है कि वो एक जगह पे बैठे, लेकिन ये बोनस में मिल रहा है आंखें बंद करके देखने का। ये मम्मी पापा है, टीचर है, और उनके बच्चों ने किया, उनका बच्चा इनका पूरा इंटरव्यू देखे पे है, और उन्होंने कहा सर मेरा बच्चा शांत भी हो गया। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आँख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा, मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना तो वो करे, ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। दो दो पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर। मैं बताना ये चाहता हूँ इस प्रोग्राम से कि आपके बच्चों को पट्टी बांध के देखने का एक महीना बहुत अच्छा लगता है, आंखों पे पट्टी बांध रहा है, बाद में आपको भी वो चीज एक नॉर्मल चीजें लगती है। लेकिन जो बच्चा ध्यान करता है ना, ध्यान मेडिटेशन, और वो हमेशा करता है और हमेशा उसके अंदर जो सकारात्मक वाक्य बोलता है, ये चेंज आते ना, दैट इज समथिंग ट्रिमेंडस। एंड दो चेंज के लिए आप करो, बाद में हम आपको किताबें बोलते हैं आपको कौन से पढ़नी है, बच्चों को कौन से पढ़ानी है जिससे बच्चों का माइंड और वो ज्यादा गहराई में जानेगा, या फिर उनको ऐसे क्या क्या हैबिट्स लानी है, जैसे सोना है, उठ के कौन सा एक्सरसाइज करेगा, जैसे अलग अलग चीजें हैं जो हम उनको ब्रेन के तरह से, और भी कई को रिलेटेड चीजें जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ, यानी आप शायद जानते हो द सीक्रेट, जिसके अंदर विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं, तो आप अपने जीवन का गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ। मैं हमेशा कहता हूँ मैंने अपने गुरु आपके जो सिखाता हूँ, आप मेरे जीवन में गोल है तो आपके जीवन में गोल चाहिए, गोल सेटिंग कैसे करनी है, आपके जीवन के जो भी सपने आप कैसे साकार कर सकते हो, जो माइंड ट्रेनिंग है वो सभी चीजें मिलता है ओके इसमें पूरा। वो आप कब बताएंगे सर, जो बुक्स वगैरह के बारे में? वो सभी वीडियोस में है, 30 डेज की वीडियोस में पूरा चैप्टर। एक सर मेरा एक और ये था कि आपने जैसे बताया कि सर कि वो बच्चा ऐसे बताने लग जाएगा 120 नंबर पेज नंबर पे क्या है बुक में, और ये है ना, तो उसमें सर के बुक तो पूरी पढ़नी पड़ेगी ना उसको एक बार? नहीं पढ़नी पड़ेगी सर, पढ़नी नहीं, किताब लिया हाथ में मार्केट से कौन सा भी उठा के लेके आओ। हमारे यहाँ पे औरंगाबाद में एक लाइब्रेरी है, हम लाइब्रेरी के ऊपर हमारा एक बहुत सेमिनार हॉल है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एक सर ने क्या किया, किताब लेके आए एक इंग्लिश की, वो चेतन भगत चेतन से तो ऑथर है ओके, उनका फिर वो इंग्लिश में था और वो पूरा स्मेल लिया एक बेटी ने, और वो कौन सा भी पेज नंबर पूछा उसका है, पढ़ाई नहीं यानी रीडिंग नहीं किया सर, स्मेल करके बता देते हैं। आप बता सकते हैं सर अभी? नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आंखें बंद करके देख भी नहीं सकता, तो आपका ये भी डाउट रहेगा सर आप नहीं करते तो बच्चे को कैसे सिखा सकते हो आप ओके, ये डाउट रहेगा। ये जिम्नास्टिक जैसा होता है सर, जिम्नास्टिक पता है सभी को, जिम्नास्टिक में स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है, पैर की स्ट्रेचिंग होती है, तो ये स्ट्रेचिंग हम बचपन में सीख सकते हैं, बड़े होके नहीं सीख सकते। जैसे आप कहोगे सर मुझे भी स्ट्रेचिंग सीखना है, सर मुझे भी स्ट्रेचिंग आनी चाहिए, तो आप नहीं करोगे, बच्ची को आएगा। और आपको जरूरी नहीं कि आपको आए, लेकिन आप बच्चों को कह सकते बेटा ऐसे प्ले कर, ऐसे ले कर, और ऐसे नीचे बेंड हो जा, और आपको आ जाएगा। बच्चे की बॉडी फ्लेक्सिबल है, उसी प्रकार माइंड भी फ्लेक्सिबल होता है, उनको जैसा हम एक्सरसाइज देंगे वो करेंगे और उनको दिख जाता है, ऐसा होता है ठीक है। मैंने अपने एज में 25 एज में किया, मैंने 10-10 घंटा प्रैक्टिस किया सर, मैं एक घंटा बोलता हूँ, मैंने 10-10 विपश्यना आ गया वहां पे ध्यान कर रहा बैठा मैंने, या फिर सीसी रविशंकर वहां पे गया, ओम शांति वहां पे थर्ड आई का स्पेशली लेते हैं वहां पे गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे अंदर वाली कॉस्मिक एनर्जी चक्र वो दिखते हैं लेकिन बाहर का नहीं दिखता, क्यों विचार सर ये वाला सर, जैसे मान लो अभी मेरे दो बच्चे है ना, एक 12 साल का 13 साल की और एक ये 5 साल की बाद में आपको कंटिन्यू, और उसके लिए मैं सपोर्ट दे रहा हूँ। 30 डेज हो गए तो प्रोग्राम खत्म हुआ नहीं,
30 डेज के बाद भी आपको प्रैक्टिस करना है 15 मिनट का मेडिटेशन, वो लाइफ टाइम के लिए है सर। ठीक है, तो मतलब आपने कितनी एज में सीखा सर ये? 25 सर, 25 एज। अच्छा, दैट्स द प्रॉब्लम, हमारे समय पे नहीं था ना सर ये 2013 में आया था इंडिया में, जापान में इसका डिस्कवरी 1998 में हुआ था। ओके, और कोई डाउट्स है सर? ओके, थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये हमारा नंबर है और आप इसके अंदर करियर कर सकते हो। मैं बताऊं, ये बहुत सुंदर करियर अपॉर्चुनिटी है। ये चीजें मैं लॉकडाउन में किया, ऑनलाइन में इसको लेके गया, ऑफलाइन में मैंने काफी इसमें सफलता भी पाई है और मेरा पिछले 7 सालों का अनुभव है, तो मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ करियर अपॉर्चुनिटी। हमारे नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम होता है जहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रेन करते हैं, जहाँ पे मैं उनके लिए वो चीजें देता हूँ जिनके बच्चों ने ये प्रोग्राम किया है ऑलरेडी उनके मम्मी पापा के लिए। क्यों पता है? क्योंकि दे आर सो पॉजिटिव और वो पॉजिटिव लोग और भी पॉजिटिव लोगों को क्रिएट जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ हाँ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा खेला ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कांटेक्ट किया। स्टडी करा खूप कंटाळा येतो, आपण जेव्हा करणार ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये ही हे यायला लागलं, उत्साह यायला लागला, सुरू वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही है। हाँ, गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ, काफी लोगों के पेमेंट आए हैं और जरूर कहूंगा आज यहाँ पे 14 पीपल्स ने एडमिशन किया, मुझे 14 नंबर दिख रहा है जिनके स्क्रीनशॉट अभी तक मुझे मिले हैं। मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ आपको आज, मुझे 25 पीपल चाहिए, मतलब चाहिए। अभी मैं बताऊँ आपको ये क्यों करना है। ओके, यहाँ पे काफी सारे डॉक्टर, मैं उनका डीपी देख रहा हूँ, आई डोंट नो अभी यहाँ पे हैं, वो पूछ रहे सर पेमेंट कैसे करना है। अगर वो मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे कर रहा है तो मैं बताऊँ, ये सर इसका स्क्रीन शॉट निकालिए और इसके ऊपर आपको पेमेंट करना है। प्लीज सर, आपका एक डीपी था उसके अंदर आप एक डॉक्टर के पोशाक में हो और आप चाहते हो कि कैसे करना मुझे मैसेज कर रहे हो, तो ये आप कर सकते हो सर। ठीक है, सो मैं बताऊं आपको ये चीजें करने से, किसी का ये डाउट है डिसएडवांटेज है क्या सर इसके कोई ये, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। एक अभी कोई सवाल लेते हैं, अरमान सिंह है, अरमान सिंह। ओके अरमान सिंह बेटा बोलो। या मेरे पापा कुछ बोलना चाहते हैं। कहाँ पे बेटा पापा बोलो सर? यस सर, गुड इवनिंग सर, बोलिए, नमस्ते। ये बताइए इनका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? हाँ, पढ़ाई में मन इनका, हम पढ़ाई का जो फॉर्मेट है ना, ऐसे आंखें खोल के पढ़ने को उसको बदल देंगे, आंखें बंद करके पढ़ाई करनी है सर, आंखें बंद करके जब पढ़ाई हो, बंद करके एक नया चीज लाया है। जब दिखेगा नहीं तो आंखें बंद करके, अरे आंखें बंद करके तो दिखाने वाले है सर आपको, बच्चे आंखें बंद करके तो रीडिंग करते हैं ना, जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। यानी ये शेर देखिए, ये जिंदगी भर आंखें बंद करने की पढ़ाई की बात नहीं है, आपको शुरू में समय पे कॉन्सेंट्रेशन हाई हो या ना, एक आधा महीना काफी है आंखें बंद करके पढ़ना, बाद में जरूरत नहीं सर पढ़ने की आंखें बंद, क्योंकि आपकी थर्ड आई जो खुलती है ना बाद में, आपको जैसे ब्लू कलर की लाइट, मैंने देखा था ना आपको बताया था ब्लू कलर की लाइट देखो, कॉस्मिक ब्लू कलर की लाइट अभी क्या है, आंखें बंद करके दिख रही है। जब आपके बच्चे एक महीना कंप्लीट होता है ना, उसके बाद उसको आंखें खुलने के बाद भी सभी तरफ ब्लू ब्लू दिख सकता है, दिख जाता है, यानी थोड़ा ही सुनिए सर, ये कुछ अगर पढ़ते हैं तो कभी इनसे वही चीज अगर एक महीने बाद पूछो तो ये भूल जाते हैं। अच्छा, वो नहीं होगा, ये देखो ये विजुअल मेमोरी है सर, इसके ऊपर हमने काफी वर्क किया है मेमोरी के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, और एक चीज बताऊंगा आपको, बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा तू पढ़ाई कर। एक चीज मैं जरूर शेयर करूंगा, मैं इनका वीडियोस दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड ना सर, पढ़ाई के लिए मैं एक बहुत सुंदर सा वीडियो है और इनका जो अनुभव सुनिए प्लीज, जरूर कहूंगा। ये बच्चा जिन्होंने ये कोर्स किया, अभी यूट्यूब पे परसों डाला है, अद्वैत का है, मैं अद्वैत का बात बीच में भी किया था, अद्वैत का जो प्रॉब्लम था पढ़ाई का सर, इन्होंने इतने डॉक्टर्स को ट्राई किया, इतने डॉक्टर्स को पढ़ाई नहीं करता है, और वो तारे जमीन का पिक्चर सभी को पता है ना, डिक्लेसिया क्या बोलते हैं उसको, डिक्लेसिया का वो जो बीमारी होती है बच्चों के अंदर, कि बच्चे वो पढ़ाई में काफी कमजोर होते हैं,
और ये वीडियो जरूर देखिएगा, मैं YouTube से दिखा रहा हूँ अभी। बहुत थैंक यू सर, बहुत झगड़ा करता था। अच्छा, अभी अच्छा। खुद उसे संभाल रहे हैं, मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम, मोबाइल टीवी कम हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी अच्छा। हमें टीवी नहीं लगाने देते। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है, यानी ये सभी जो बदलाव है, और इसीलिए मैं इनका आज इंटरव्यू इसीलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि सर सिर से बाल से लेके पैर तक पूरा वो बदल गया, पूरा बदल गया। और जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं जरूर कहूंगा उनके कुछ डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, सच में ये फायदा करेगा क्या, इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए, तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे वाह, आपको बहुत पसंद आया। पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा, ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके वेरी गुड, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस, फिजिकली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की, और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। जरूर कहूंगा सर बच्चों में पढ़ाई के लिए मैं गारंटी दूंगा, बताना नहीं पड़ेगा तो पढ़ाई कर वो खुद जाके करेंगे, ठीक है? सो ये अनुभव मैं नहीं कहता हूँ, आप ही मुझे बताते हो कि सर ये बदलाव है, वो चेंज है, ठीक है? हाँ ओके, और किसी के कुछ डाउट्स है तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप अभी डिसीजन लीजिए, क्यों बताएं? यस सर, ओके, गैलेक्सी G7 कुछ कहना चाहते हैं? यस बोलिए सर। मॉर्निंग में आपसे कुछ टॉकिंग करना चाहते हैं। करेंगे करेंगे, चलो कोई बात नहीं सर, बोलिए सर। हेलो सर। हाँ आपके पास भी आते हैं सर, रुकिए। हाँ बोलिए 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 सर। हाँ हेलो सर। हाँ सर, दूसरा नंबर से ना आप पेमेंट किए क्या सर आपने दूसरे नंबर पे? ओके ओके, ऐसे भेजे तो चलेगा ना? हाँ चलेगा ना, चलेगा ना सर, दूसरे अकाउंट से मुझे, लेकिन उस नंबर से स्क्रीनशॉट भेजिए सर, जिस नंबर पे आप कोर्स चाहते हो, क्योंकि हमारे जो मीटअप्स के लिंक है उसके जो पासवर्ड है वो आपको जो है ना उसी नंबर पे मिलते रहेंगे जिस नंबर से आप भेजोगे, यानी कोर्स भेजने से आपको जो स्क्रीनशॉट भेजो ना उस नंबर से भेजो जिस नंबर पे आप कोर्स चाहते हो, कोर्स यानी कोर्स चाहते हो उस नंबर से भेजो। ओके, व्हाट्सएप नंबर वो आपका ही, उस नंबर से नहीं हो रहा सर। यस यस, उसी से भेजो मुझे स्क्रीनशॉट, ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलिए। नहीं उस नंबर से नहीं हो रहा, नहीं होगा, फिर मुझे फोन करिए सर, ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर कोर्स भेजो। नहीं हो रहा, चलेगा चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा सा ओके करो। एक लास्ट वीडियो दिखा रहा हूँ, प्लीज इसको देख लीजिए और बाद में हम मीटिंग खत्म करेंगे। कितना बदलाव, माय फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आपके बच्चों में भी आए, और ये देखिए इंडिया का जो नंबर वन बॉय है थर्ड एक्टिवेशन का, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा अचीवमेंट इन्होंने किया था, इसका जो चीज सीख के जीत त्रिवेदी, ध्यान से देखिए जीत का एक छोटा सा वीडियो है, ओके आप इसे जरूर देखिएगा। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की, चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और, सबसे ओएमजी वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है, एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। क्योंकि जीत ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन की ट्रेनिंग को मास्टर कर लिया है, उनकी इंट्यूशन कैपेसिटी और सिक्स सेंस भी सुपर एक्टिव हो गई है, इसलिए ये ब्लाइंड फोल होकर भी सब कुछ परफेक्ट करता है। जीत, इसमें से 221 नंबर पे निकालो। 221, अरे वेरी गुड, अभी पढ़ो इसमें क्या लिखा है। यूज द apostrophe as a default label perfect character, then reverse it, when you read it
Yes. The dollar symbol designating a field name 3 plus. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। जीत का तो अपना ही स्टाइल है। 14 साल की एज से जीत ब्लाइंड फोल्डेड चेस खेलता है और तो और ऐसे ही उन्होंने कई चेस कॉम्पिटिशन भी जीते हैं। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के तीन तीन लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है लगभग मुझे 17-18 एडमिशन लग रहा है कि हो गए। ओके, अनिल अगस्ती सर बोलना चाहते हैं। यस बोलिए सर। यस अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए सर। सर मेरे बेटे नेक्स्ट वीक से क्लास कर पाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं कुछ दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत यूज कर सर। यस लेकिन ओके, मैं आपको म्यूट कर दिया, फिर से अनम्यूट कीजिए। आपके क्लास जो ऑनलाइन होगा तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा ना सर? उसके रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी। ओके, तो वो आप समय है तो आप बैठिए मंडे, ठीक है? कुछ भी क्वेरीज है वो सभी चीजें पेरेंट्स को जब बताते हैं डाउट्स वो आपके भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है? यस यस यस। चलो यहाँ पे हम रुकते हैं, काफी समय हुआ है और लास्ट कुछ सवाल है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, बाद में मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, मुझे काफी फोन्स आ रहे हैं। ओके, सो प्लीज यूट्यूब पे लाइव चालू है ना, यूट्यूब से फोन आते हैं मुझे। ओके, सो प्लीज आप कोई डाउट्स हैं क्वेरीज हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, 5000 पे करके आपका मैं नुकसान नहीं करूंगा, आपको मैं फायदा बहुत देने वाला हूँ बहुत। जब ये कोर्स खत्म हो जाता है हम सभी पेरेंट्स के फीडबैक्स लेते हैं और उसमें जो बदलाव आता है ना, दैट इज समथिंग की मेरे लिए वो हार्ट टचिंग होता है और मेरे जो मोटिवेट करता है और भी आगे जाने के लिए। तो डेली मोबाइल पे से लगे रहते थे या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो भी दोनों बेटी बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके नाइस, अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वाटर में स्कूल टीचर्स ट्यूशन सर तो हैप्पी है सर, काफी चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस, लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विद इन हाफ एन आवर में बता रहा थे। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। पहले तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अभी फोन से भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ली है ना तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर, कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, 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 अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच या झूठ है, लेकिन सर के कोर्स अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर, मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता था। वो आगे आगे बढ़कर मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? थर्टी डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? okay. यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊ, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बनाया, मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे वन का देखा था। मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाओ क्या योगेश बनाया तूने, यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सर, ओके okay, उनको वो उनका बिजनेस है एप्पल का, वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं कुछ भी बनाते हैं ना, वो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के,
मैं देखता हूं कि ये क्या बनाया है, कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो, जो मुझे और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2, 2:30 बजे एडिटिंग वगैरह एक सभी चीजें करता था, तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया। हर हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल दो साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर। बहुत इम्प्रूव, हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करना, करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इसे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों की लाइफ, और एक बड़े लेवल पे हो जाए। और एक चीज ही है मैं जरूर वो कहना चाहूंगा कि 15 साल के बाद जब आते हैं मेरे पास, सर मुझे करना है, मुझे करना है, मैं क्लियरली नहीं बताता हूँ, आपके लिए नहीं होगा, मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। जैसे मैंने अपने जीवन में जब इस 25 एज पे सुना, तो मैं चाहता था कि आप ये गलती ना करो। ओके, ये मेरा इंटेंशन है कि आप ये गलती ना करो, बच्चों के लिए जरूर प्रयास कीजिए और बरोज सिखाइए। ओके, मेरे पास ना हो, किसी और से सिखाना चाहते हो, जरूर जाइए, मगर थर्ड एक्टिवेशन करिए इस नॉलेज को। हर बच्चे के पास ये टैलेंट ऑलरेडी पड़ा है, आंखें बंद करके वो देख सकता है, लेकिन आपने डेवलप नहीं किया तो वैसे ही वो रह जाएगा। बड़ा होने के बाद हमारा पीनियल ग्लैंड डैमेज हो जाता है, यानी जो हार्मोन सिक्रीशन की जो पावर्स है वो खत्म हो जाती है, और बाद में पूरा ब्लैंक ब्लैंक दिखता है, काला अंधेरा होता है। ओके, तो वहां तक ना पहुंचे इसलिए आप करिए। ठीक है सर, क्या क्रेडिट कार्ड पेमेंट का भी ऑप्शन है? सो नो, हमारे पास अभी फिलहाल तो नहीं है। सो आप इसको ऑनलाइन गूगल पे फोन पे कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको पेमेंट करना चाहते तो दे कैन हैव अ पर्सनल मैसेज कि सर अभी हम नहीं कर सकते, अभी हमारा बुक करके रखिए, जब ये से पेमेंट आता है तभी करेंगे। ठीक है, सो दैट कैन आई कैन एग्री कि आप समझ सकता हो कि कभी कभार इस समय पे पैसे नहीं होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। और लास्ट में एक ही चेंज देखना चाहता हूँ, आपके बच्चे का थर्ड एक्टिवेशन करने के बाद एक भी टैलेंट आया ना उसके अंदर, वो अजूबा बन सकता है, अजूबा। जैसे एक स्टूडेंट है, उन्होंने थर्ड एक्टिवेशन किया और लोग शॉक में बैठ गए, चौंक गए। देखिए डिफेंस, लास्ट वीडियो दिखा रहा हूँ, बाद में खत्म करता हूँ। किसी के कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, वो मुझे कॉल करिए प्लीज, आई कैन रिसीव योर कॉल्स। जिनको कोर्स नहीं मिला है, अगर मेरा फोन नहीं लगता है तो मेरे दो मोबाइल्स है, YouTube पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे दो मोबाइल्स है, स्क्रीनशॉट नहीं भेज पा रहे हो ऐसा कुछ है तो वहां पे जाइए। और अभी मैं फोन करने के लिए एक्टिव मोड में हूँ, आप फोन कर सकते हैं मुझे, और ये वीडियो जरूर देखिए। ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D. Souza. It was called so because nobody returned alive. Oh, she's doing it. Okay. But he holds on to it. So, मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है, वैसे तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है, स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत, ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। एक मीटिंग एंड हो रही है, और किसी के कुछ डाउट्स हैं क्वेरीज हैं, दे कैन कॉल मी नाउ। हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, थैंक यू सर।